साथ में दर्शनम देवदेवस्य दर्शनम पापनाशनम आगे दर्शनम आवाज नहीं आ रही किसी की भी साथ में एक साथ बोलना है दर्शनम देवदेवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम कमठे धरणेन्द्र च सोचितं कर्म कुर्वति प्रभुस्तुल्य मनोवृत्ति पार्श्वनाथ श्रीस्तु जिना स्मरण थी जीवन ना संकट बदा दूरे टले जिना स्मरण थी मन तना वंचित आवी मरे जिना स्मरण थी आदि में व्याधि उपाधि ना टले श्री संखे शर प्रभु न चरणों मा प्रेमे नमो मारा प्रभु श्री पार्श्वने पंचांग भावे हो नमो काल मा त्रण जगत मा विख्यात नहीं माजे हनु अद्भुत छे देदार जैन दर्शनी आदे हनु लाखों करोड़ों सूर्य पण जस आंगने जाता पड़े श्री संखेश्वर प्रभु न चरणों मा प्रेमेन श्री संखेश्वर प्रभु न चरणों मा प्रेमेन जमाते हा तमे बन जाओ मारी मां तमारा प्रेम चाहूं छू हूं बाल तमारो छू तमारो वाल चाहूं छू हूं बाल तमारो छू तमारो वाल चाहूं छू હવે પડે બર નહીં રહેવાનું તારાથી દૂર તારે રહેવાનું હૃદયમાં હાજરા હજૂર હવે પડે બર નહીં રહેવાનું તારાથી દૂર એસા લગતા હૈ કે આપ સબ લોગ યે બાતે કરને આયે હો
बातें करने के लिए हमारे पास और दूसरी में गाऊंगा। नेक्स्ट लाइन आपको तेज आवाज में गानी है। हवे पड़े बरे नहीं रहवानू, तारा थी दूर तारे रहवानू, रुदय मां हाजरा हजूर बोलो हवे। इधर से आवाज बहुत ज्यादा आ रही है, हम पीछे पड़ रहे कहीं ना कहीं, जरा तेज आवाज। हवे पड़े वरे नहीं रहवानु, तारा थी दूर तारे रहवानु, हृदय मां हाजरा हजूर बोलो हवे। तारी नजरों मां नजरा तो जाऊं छू, तारी नजरों मां नजरा तो जाऊं छू, साथ में हाँ तारा। के तारा प्रेम मां प्रभु जी खूब जाऊं छू, सर्व स्वीकारनी संयम यात्रा हो, सर्व स्वीकारनी संयम यात्रा, साधि अनंत छे वीर कही भो भ्रमणो नी यात्रा नो तो हूँ कहतो नथी, संसारे सुख पण शाश्वत सुख नो अंत नहीं, भ्रमणोनी यात्रा नो तो भ्रमणोनी यात्रा नो तो अंत छे। क्या बात है, म्यूजिक के साथ लेना, अभी तो आप तो रॉ लिया, अब म्यूजिक के साथ। संसार तीवीर तिरकनो, गिरनार ती मुक्ति पकनो, संसार तीवीर तिरकनो, गिरनार ती मुक्ति पकनो, सदवार छे एक मारो आधार छे एक बसत हाँ। नेम रस नेम रस ओ हो नेम 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 रस कर पकर सनी नेम 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 रस ओ हो नेम 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 रस। खदी ने बनी खनी ने खूब खूब मलकारी, सजी खदी ने बनी खनी ने खूब खूब मलकारी, महाराज राज जी महाराज राज जी महाराज राज जी महाराज जी
आगमन करो आगमन आगमन करो आगमन आगमन करो आगमन आगमन करो आगमन एकदम तेज बोलना है आपसे तेज तो इनकी आवाज आ रही है ठीक है सिद्धा चल प्यार मारो जय गिरिराज आदिनाथ मारो जय आदिनाथ जब मैं आपको इशारा करूं तो आपकी तेज आवाज कुछ छोटी छोटी बच्चियां आ गया अंतरनाथ हमने आपो आशीर्वाद ओ गुरु जी हमारो अंतरनाथ हमने आपो आशीर्वाद गुरु जितनी भी बहने हैं गर्ल्स हैं वो सभी यहाँ पर साध्वी जी भगवान को वंदन करेगी सभी एक साथ कौन ऐसी बालिका है यहाँ पर जो पूरा गुरु वंदन बहुत अच्छे से कराएगी चलो बेटा आप आ जाओ आप ही आ जाओ स्वामी साता छे जी भात पानी को लाभ दे जो जी अच्छे जी भात पानी को लाभ दे जो जी इच्छा कारण संदीसा भगवान अभुत्योमी अभियंतर रायम खामियु इच्छम खामेमी रायम जन किंची अपत्यम पर पत्यम भत्ते पाने विनय व्यावच्च आलावे सलावे उचासने समासने अंतर भाषे उवरी भाषे जन किंची मज्ज विनय परिहीनम सुमम बा बारम बा तुब्बे जनह अहम न जानमे तस्य मिच्छामि तुकडम इच्छामि खमाश्मनो वंदी उज्जावनी जायन मथे रंदामि म
मनोबंधी उजावनी जय निसी आय मथेर वंदा मी खमाश मनोबंधी उजावनी जय निसी आय मथेर वंदा खमाश हाथ जोड़े सभी बच्चों एक साथ बिल्कुल सभी हाथ जोड़ो और मंगलिक श्रवण करेंगे अपन अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाओ मंगलिक सुना रहे महाराज साहब है ना अमा शारदा नेत्रांबुजे निर्विकारता नवकारनाभि कमलमा आनंद सागर सूरी जी चरणे भावे करू आनंद सागर सूरी जी चरणे भावे करू वंदना नवकार नाजे अतुल ज्ञानी श्रेष्ठ योगीश्वर हता जे आर्य संस्कृति तना सुविशुद्ध संयम धरहता आगम केरी वाणी ने वर्षावता बादल हता पन्यास गुरुवर अभय सागर चरण हो जो वंदना पन्यास गुरुवर अभय सागर चरण हो जो वंदना सभी हाथ जोड़ लिए सबसे पहले हम सभी जिस भूमि पर बैठे भगवान हम सभी हाथ जोड़ करके उनके प्रति कृतज्ञता के विनय के भाव समर्पित करेंगे प्रभु आपकी कृपा से आज ये शिविर हमारे यहाँ होने जा रहा है और आपकी कृपा से हमारे जीवन में सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र का सूर्योदय हो हमारे जीवन में ये गुण और अच्छे से प्रकट हुए प्रभु इस भावना से सबसे पहले ऋणकार करके ओंकार पाशनाथ भगवान के चरणों में सभी मस्तक झुका करके नमन करेंगे। आज के पावन दिवस कौन सा सेमिनार है हमारा कौन सा सिक्स सेमिनार है ओके आज हमारे बीच में आपको मालूम है महाराज साहब का जिनका आपको पूरा तस्वीर नजर आ रहा है कौन से महाराज साहब हैं आज अभय सागर जी महाराज साहब की पुण्यतिथि है एक ऐसे महापुरुष का आज वो पुण्यतिथि का दिन है जिन्होंने मात्र बेटा एक मिनट बच्चे को खड़ा करना ये छोटे से को हाँ आपके पीछे हाँ खड़ो बेटा एक मिनट हाँ खड़ो 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 इधर आगे भेजो उसको कितने साल के हो बेटा आप 8 साल के उधर आ जाओ एक मिनट इधर आओ ये 8 साल के शेर मैसूर आ रहे हैं अपने बीच में उदयपुर के महाराजा हाँ पगड़ी उगड़ी अच्छी कर लो बेटा ये कितने साल के हैं अभय सागर जी महाराज साहब जब 6 ईयर के थे कितने ईयर के थे ओनली 6 ईयर्स में जिन्होंने दीक्षा ली कितने साल में और उसके बाद में उनने क्या पढ़ाई करी होगी आप सोच लो उसके बाद भी नासा जो वर्ल्ड की इतनी बड़ी संस्था है उन्होंने उनको वैज्ञानिक की उपाधि देने के लिए नासा संस्था के वैज्ञानिक पालीताना आकर के जिनको उपाधि दी कि आपका माइंड कितना शार्प और आपने क्या खगोल भूगोल जियोग्राफी में काम किया है इतनी छोटी इससे भी छोटी उम्र में दीक्षा लेकर उन्होंने जिन शासन के इतने बड़े बड़े कार्य किए ऐसे महाराज साहब की आज पुण्यतिथि आई हम सब हाथ जोड़ करके उनको भी क्या करेंगे मस्तक झुका के नमन करेंगे। साथ ही हमारी मेघ संस्कार वाटिका जिनके नाम से उनका फोटो ये रखा है देखो मेघ चंद्र सागर जी महाराज साहब उनको भी हाथ जोड़ करके वंदन करेंगे। अभी हमारे बीच में पूज्य चारित्र चंद्र सागर जी महाराज साहब पधारेंगे उसके पूर्व आज का हमारा पूरा सेशन लेने के लिए शुरू का फर्स्ट सेशन कुछ साध्वी जी भगवान लेंगे तो पूज्य सुचि प्रज्ञा श्री जी महाराज साहब के साथ में हमारे बीच में मेघवर्षा श्री जी महाराज साहब भी हैं और सुवर्षा श्री गुरु जी सुपार्शु निधि महाराज साहब ना उनके साध्वी जी भगवान जिनका सिमंदर स्वामी में सिमंदर स्वामी है ना गुमास्ता नगर के पास में वहां पर जिनका चातुर्मास था सुपार्शु निधि जी महाराज साहब वो भी हमारे बीच में पधारे उनके पास में साध्वी जी भगवान थे और प्रवचन में आज हमारे बीच में पद्म वर्षा श्री जी महाराज साहब प्रवचन देकर के हमारे जीवन में सद्गुणों का विकास करने का प्रयास करेंगे। सभी हाथ जोड़ करके समस्त साध्वी जी भगवान के चरणों में नमन और वंदन करेंगे।
पुण्यशाली हो। इसके साथ ही आज हमारे बीच में अतिथि के रूप में बच्चों आज हमारे बीच में आरसी जैन साहब पधारे हैं, ये आपको दिख रहे हैं ना। एक ऐसा व्यक्तित्व है, वो विजयनगर संघ के अध्यक्ष तो हैं, चेयरमैन भी हैं, उसके अलावा नरीमन सर ट्रस्ट में भी ट्रस्टी, अनेक ट्रस्टों में वो ट्रस्टी, लेकिन इनकी सबसे बड़ी खासियत है परम गुरु भक्त होने के साथ में इनको जिनाले निर्माण का बहुत नॉलेज है। आप में से कोई ऐसा बच्चा है या कोई बालिका, कोई गर्ल्स ऐसी है जिनके मन में अरमान हो कि मैं जिंदगी में कोई एक अच्छा जिन मंदिर बनाऊं, किसी का मन है कि मैं जीवन में एक मंदिर जरूर बनाऊं? जीवन में जब भी भाव बने हैं अपने कि हमको मंदिर बनाना, तो ऐसे आज हमारे इस शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में ऐसे पुरुष पधारे हैं, ऐसे पुण्यवान पधारे हैं, ऐसे श्रावक पधारे हैं, तो हम भी आज तालियां बजा कर उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। इसके बाद मैं सबसे पहले हमारे महेंद्र गुरु जी के साथ प्रफुल भैया हैं, हमारे आज जो लाभार्थी परिवार हैं वो भी साथ में पधारे हैं, श्रीमान जयंतीलाल जी साहब, श्री श्रीमाल परिवार, उनको भी आमंत्रित करेंगे हमारे एक संस्कार वाटिका में, जो पूरी एक बेजोड़ मेहनत करके एक नाम ऐसा है जो पूरी तरह से सब युवाओं को संकलित करके, सारे युवा मेहनत करते हैं लेकिन सबको जोड़ करके मेक संस्कार वाटिका को एक नई ऊंचाई पे ले जाना, बच्चों के संस्कारों में वृद्धि कैसे, उसके लिए दिन भर जिनके जीवन में चिंतन चलता रहता था, हमारे जयंत भैया उन सबको आमंत्रित करूंगा यहाँ आए, और साथ में जो हमारे लाभार्थी परिवार है जो अतिथि उनके यहाँ से जो श्राविका पधार है उनसे भी निवेदन करूँ आए और आकर के दीप प्रज्वलन करके आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। पधारिए भंडारी जी, आप सब आइए। बच्चों ये जब तक कर रहे हैं तब तक एक बार जोरदार तालियां आपकी पाठशाला की दीदियों के लिए बजाओ, क्योंकि आप सबको रोज संस्कार हो जाती, हम तो दो महीने में एक बार बुलाते हैं लेकिन आरम्भ कर रहे हैं चिराग। अपने विषय पर आते हैं, सबसे पहले सभी अपनी अपनी कॉपियां खोल लें, पेन निकाल लें, महाराज साहब की तरफ अपना चेहरा कर लें, कानों को थोड़ा सा झटक लें, ठीक है? अब अपने कानों में सिर्फ महाराज साहब की आवाज जाना चाहिए, हाथ चलना चाहिए कॉपी के ऊपर, हाँ लेके आ जाओ जाओ। हमारे लास्ट सेशन है, इन पूरे छह सेमिनार में आपको जितना भी सिखाया है समझाया है, हमारा जो कार्ड है उसका नाम क्या है, ATM, अटेंडेंस और मैनर्स। अटेंडेंस तो आपकी हो गई है, टैलेंट आप में क्या क्या है वो आप हमें व्हाट्सएप पर जो लिंक आती है उसके जरिए बता देते हो, लेकिन मैनर्स कितने अपने में और कैसे आना चाहिए वो कौन बताएंगे, महाराज साहब। तो छह सेमिनार में हमने जितना भी बेटा सीखा है, जो भी समझा है, जो भी जाना है, एक बार क्या हुआ कि तीन मम्मियां कुएं पर पानी भरने के लिए गई, पानी भर लिया, घड़े ले लिए, एक घड़ा गांव में क्या होता है कि एक घड़ा सिर पे रखते हैं और एक घड़ा कहां पे रखते हैं, कहां पे रखते हैं, कमर में। अब तीनों बहनें चल रही है तो एक बहन बोलती है, देखो मेरा मेरे बेटे बेटी कितने सुंदर हैं,
क्या पूरे गांव में मेरे बच्चों जैसा सुंदर कोई नहीं है, इतने सुंदर है कि वो जब भी निकलते तो गांव के सारे लोग देखते कि देखो कितने सुंदर लड़के लड़कियां जा रहे हैं इनके। वो चलती रहती घड़ा लेकर के तो दूसरी बोलती कि तेरे बच्चे सुंदर है मानती, लेकिन मेरे बेटे बेटी ने इतनी पढ़ाई की है, इतनी पढ़ाई की है और इतना पैसा भी कमाने लग गए हैं कि पूरे गांव में मेरे बच्चों जितना पढ़ा लिखा और पैसा कमाने वाला कोई भी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ रहे थे, थोड़ी और आगे बढ़े, इतने में ही तीसरी जो बहन थी वो चुपचाप थी, तीसरी जो मम्मी थी वो बिल्कुल चुपचाप थी, क्योंकि ना तो उसके बच्चे बहुत सुंदर थे, ना बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे, ना बहुत ज्यादा पैसे वाले थे, वो बिल्कुल शांति से चल रही थी। इतनी देर में उसके दोनों बेटे बेटी सामने से आते हैं, लड़की और लड़के। वो दोनों बच्चे बोलते, मम्मी आप क्यों घड़ा लेने पानी का लेने चले गए कुएं पे? हमको बोलते चलो रुको रुको आप। लड़की ने एक घड़ा ले लिया, एक घड़ा किसने ले लिया? लड़के ने ले लिया। बोले मम्मी आप ऐसे चलो, हम बच्चों के होते हुए हमारी माँ को काम करना पड़ेगा, अच्छा नहीं लगता है। दोनों बच्चे घड़े लेकर के चलने लगे। बताओ सबसे अच्छे बच्चे किसके हैं? किसके हैं? वो बच्चे कितने भी सुंदर है लेकिन अगर माँ काम कर रही है और माँ के साथ अगर वो बच्चा सपोर्ट नहीं कर रहा तो उनकी सुंदरता क्या काम की? बच्चे कितने ही पढ़ लिए और कितने भी पैसे कमा लिए लेकिन अगर माँ बाप तकलीफ में है, लेकिन अगर माँ बाप खुद वर्क कर रहे हैं और वो जाकर के अपने पैसे से पढ़ाई से अपने अभिमान की पुष्टि कर रहे, तो बच्चे किस काम के? बच्चे वो काम के हैं जो अपने माँ बाप के काम आए। तो आइए ऐसे मेहनत सिखाने के लिए हमारे इतने कुछ साध्वी जोगन पधारे हैं। आइए गुरु जी हमारो अंतर्नाथ पूज्य साध्वी जी भगवान। आपके बीच में ये परम पूज्य मेघचंद्र सागर जी महाराज साहब के बेटी महाराज साहब हैं। वो पीछे बैठे हैं ना, तो ये उनके, ये जो बैठे हैं ना बड़े महाराज साहब, वो उनके बेन महाराज साहब। किसके? मेघचंद्र सागर जी महाराज के। जो पीछे बैठे हैं वो उनके श्राविका महाराज साहब। अब समझे क्या उन्होंने गुरु परंपरा पाई है? आज हम जिनको सुन रहे हैं वो परिवार खुद हमारे सामने आकर के हमको संस्कार दान देने के लिए आया हुआ है। तो बहुत अवभाव से आपको मैं गुरु के प्रति असीम प्रेम प्रीति और सम्मान लेकर के बेटा अपने को एक चीज सुनना है। ओके चलिए हम सुनते हैं। मां ये पीछे वाली बहनों के सिर खुले हुए हैं, आप ढक लेंगे तो अच्छा रहेगा। फिर जाकर अपना फोटो देखना कितने अच्छे लगते हैं, आप सिर ढका हुआ होता है तब। वैसे तो आप जब कॉन्वेंट स्कूल में जाते होंगे, जाते हैं ना कॉन्वेंट स्कूल में जाते हैं सब? कौन नहीं जाता है कॉन्वेंट स्कूल में? बच्चे इधर ही जाओ, बातें नहीं करेंगे बस। बच्चों में से कुछ चुने हुए बच्चे ही यहाँ तक आ पाए हैं, इसके पीछे कारण क्या है?
कुछ आपके माता पिता के ऐसे संस्कार है जो आपको पाठशाला भेजते हैं, जिनकी इच्छा होती कि हमारे बच्चे अच्छे बने। अभी आपको प्रवीण गुरु जी ने बहुत अच्छी कहानी सुनाई छोटी सी कि कौन से बच्चे अच्छे थे जिन्होंने मम्मी पापा का काम किया। आप कितने भी अच्छे पढ़ लेंगे, आपकी फर्स्ट रैंक भी आएगी, पर अगर आप मम्मी पापा का कहना नहीं मानते, उनकी बात नहीं सुनते, उनके सामने जवाब देते हैं, देते कोई बच्चे सामने जवाब, हाँ अब ये तो आपको यूँ यूँ कर लेंगे, लेकिन ये तो आपके मम्मी पापा से ही पूछना पड़ेगा कौन सामने जवाब देते हैं। जिद करते किसी चीज़ के लिए कि हमको यही चीज़ चाहिए, इसी कंपनी की ये चीज़ चाहिए, मेरी सहेली ये लेकर आई या मेरे दोस्त के पास ऐसे जूते तो मुझे भी ऐसी चाहिए, ऐसी कोई जिद नहीं करते हैं। क्योंकि कुछ हाँ करें कुछ ना करें, लेकिन जिंदगी में आगे बढ़ना हो तो सिर्फ पढ़ाई जरूरी नहीं होती। हम स्कूल जाते हैं, अच्छे से अच्छे स्कूल में जाते हैं, ट्यूशन पढ़ने के लिए जाते हैं, कभी हमारे मार्क्स बहुत अच्छे भी आते हैं, पर उससे ज़िंदगी सफल नहीं होती। अभी आप जिस कक्षा पे खड़े हैं, यानी जो आपकी उम्र है, अभी आपको खेलने की भी बहुत इच्छा होती है, नई नई चीज़ें लाने की इच्छा होती है, मोबाइल चलाने की इच्छा होती होती ना, मोबाइल चलाने की, कौन बच्चा जो मोबाइल नहीं चलाता। हाँ दिन भर में एक आदमी मोबाइल हाथ में नहीं लेते, नहीं लेते हैं। और जो ऐसे बच्चों के लिए तालियां बजनी चाहिए जो मोबाइल नहीं लेते, बाकी तो ये सारी चीज़ें छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। और आप ऐसे समय में सब कुछ छोड़कर यहाँ आए, कुछ थोड़ी सी बातें हम सीखेंगे। ज़िंदगी में तीन चीज़ें जरूरी होती है, एक बेयर करना, एक केयर करना और एक डेयर करना। इसको अगर हम हिंदी में बोले, क्योंकि आपको इंग्लिश का बहुत वो हो चुका है, आप इंग्लिश में ही बात करते हैं इसलिए थोड़ा इंग्लिश में भी बोलना पड़ता है, पर हमको साथ में हिंदी भी पढ़ना जरूरी है और हिंदी समझना भी जरूरी है। हम खाली इंग्लिश के पीछे पड़ जाते हैं और इंग्लिश ही बोलते हैं, लेकिन हमारी जो मातृभाषा है अगर उसको हम दरकिनार एक साइड कर देते तो भी हमारा विकास वास्तव में नहीं होता है। फिर आप जब सूत्र बोलते इसका असर कहाँ होता है, हमको ये देखना है कि जब आप इंग्लिश बोलते आपकी जबान उस तरह से चलती है, फिर जब सूत्र बोलने होते तब जबान पे जोर ही नहीं लगा पाते और हम अशुद्ध उच्चारण करते हैं। इच्छा में खमास जाए बोलते हैं, जावणित जाए तो बोल ही नहीं पाते, क्योंकि इंग्लिश में कहीं जोर देने वाली बात ही नहीं आती, वो अलग तरीका उसका उच्चारण होता है। इसलिए हिंदी और संस्कृत पढ़ना और जानना भी थोड़ा जरूरी होता है। तो बेयर यानी सहन करना, केयर यानी संभाल करना और डेयर यानी साहस करना, ये तीनों चीज़ें भी जिंदगी में बहुत जरूरी है। बेयर करना यानी सहन करना, किसी ने आपको कुछ कह दिया, हमसे सहन होता है, हम गलती करें या नहीं करें, हमारी मम्मी ने अगर हमको डांट दिया तो हमसे सहन होता है कि नहीं, हाँ या ना, थोड़ा सा एक्टिव रहिए, थोड़ा मैं पूछूँ तो आप जवाब दीजिए तो मुझे लगेगा कि आपकी बात समझ में आ रही, नहीं तो यूँ लगेगा कि बाउंसर हो रही, बाहर खिड़कियाँ खुली है, सब सीधी बातें बाहर जा रही है, बुरा लगता है हमको मम्मी डांटती है तो, हाँ या ना, हाँ। और आपकी सहेलियों या दोस्तों के बीच में डांट दे तो और ज्यादा बुरा लगता है, फिर हम मम्मी के सामने बोलते हैं कि नहीं बोलते, नहीं बोलते, मम्मी को नहीं कहते कि आपने मेरे दोस्तों के साथ बीच में क्यों डांट दिया या सहेलियों के बीच में क्यों डांट दिया, मम्मी को व्हाट्सएप कर देते हैं ऐसा, क्योंकि आप अभी छोटे हैं, अब धीरे धीरे बड़े होंगे, आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, फिर आपकी क्लास बढ़ती जाएगी, आपकी पढ़ाई बढ़ती जाएगी और फिर आपको कुछ ना कुछ बनना तो है, कि नहीं बनना है, किसी को सीए बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को एमबीए करना है, दीक्षा किसको लेना है। अरे वाह, किसी भी लाइन में आपको जाना हो पर आपको बेयर तो करना ही पड़ेगा, सहन तो करना ही पड़ेगा, तभी जाकर आप कुछ प्राप्त कर सकेंगे। और इसकी आदत हमको घर से ही डालनी है,
किसी ने कुछ कह भी दिया तो उसको सामने से जवाब नहीं देना, कभी दोस्तों के बीच में भी डांट दिया और चुपचाप रहना। वैसे आपको शायद पता होगा जो लोग जॉब करने जाते हैं उनसे पूछना उनके बॉस उनको डांटते हैं कि नहीं डांटते, डांटते ना, और फिर डांटते तो सुनना तो पड़ता ही, उनके सामने जवाब देंगे तो क्या होगा है? थोड़ी जोर से बोली सुनाई नहीं देता क्या? निकाल देंगे। अब हमारी मम्मी कितनी अच्छी, आप सोचिए, आप मम्मी के सामने जवाब देते, मम्मी घर से निकालती है? हाँ नहीं निकालती। मम्मी कभी झूठ भी बोल देती कि तू यूँ नहीं करेगा तो मैं तुझे खाना नहीं खिलाऊंगी, पर खिलाती है कि नहीं खिलाती है? खिलाती है। तो हमारे मम्मी पापा कितने अच्छे, अगर आप यहाँ सहन करेंगे तो आपको मम्मी पापा के आशीर्वाद मिलेंगे, और वही आशीर्वाद आपकी अपनी मेहनत तो काम करती पर साथ में बड़ों के आशीर्वाद भी बहुत काम करते हैं। आप कितनी भी मेहनत कर लेंगे पर बड़ों के आशीर्वाद अगर हमारे साथ में नहीं है तो हम कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए हमको सहन करना तो सीखना ही पड़ेगा। आपको कितनी भी नींद आती हो, आपकी एग्जाम होती है तो आपको पढ़ाई करनी पड़ती है कि नहीं करनी पड़ती है? बहुत अच्छा सीरियल आता हो, आपको वीडियो गेम खेलने की इच्छा होती है, पर अब आपकी कल एग्जाम है, आपका पेपर है और आपकी फाइनल एग्जाम है और आपको फर्स्ट आना हो या अच्छी रैंक लगाना हो, अच्छे मार्क्स लाना हो, तो सहन करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? फिर आपको सब छोड़कर क्या करना पड़ता है? पढ़ाई करना पड़ती, क्योंकि जो लोग सहन नहीं करते वो कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे अभय सागर जी महाराज साहब ने कितने साल की उम्र में दीक्षा ली? 6 साल की। उन्होंने क्या नहीं सहन किया? आपने बाल मुनियों को देखा है? देखा कि नहीं देखा? महाराज साहब क्या करते? पैदल चलते। छोटे महाराज साहब गाड़ी में बैठकर जाते नहीं जाते, वो इतने बड़े बने। अभी अब गुरु जी ने क्या कहा, कौन सी संस्था में उनका नाम पहुंचा? नासा। आपको पता है ना नासा कौन सी संस्था है? अमेरिका की बहुत बड़ी संस्था है जो ये कहती कि हमने चंद्रमा पर उपग्रह भेज दिया या जो भी सैटेलाइट वाले काम होते हैं वो सब नासा संस्था करती। इतनी बड़ी संस्था में उनका नाम आया। उन्होंने कभी स्कूल की पढ़ाई नहीं की पर फिर भी कितने आगे बढ़े। व्यक्ति को आगे बढ़ना होता है तो सहन करना ही पड़ता है। बिना वेयर किए हम आगे नहीं बढ़ सकते। कितनी चीज़ें सहन करनी पड़ती हैं। आप स्कूल जाते हैं, किसकी स्कूल जाने की इच्छा होती है? कितने लोग इच्छा से स्कूल जाते हैं, बाकी के सब जबरदस्ती जाते हैं। इसलिए जब तक हम सहन नहीं करते, थोड़ी सी ठंड लगती है हम तुरंत स्वेटर पहन लेते हैं, थोड़ी सी गर्मी लगती है हम तुरंत एसी या पंखे का स्विच ऑन कर लेते हैं, थोड़ी सी भूख लगती है तुरंत हमारा हाथ कहाँ जाता है? खाने पर। और घर में अगर कुछ नहीं है तो हम बाजार में चले जाते हैं, बाजार से चिप्स ले आते हैं या आपके क्या आते हैं कुकीज, वो सारी चीज़ें लेकर आते हैं और हमारी भूख मिटा लेते हैं। साधु भगवंत होते हैं वो, छोटे छोटे भी होते हैं। गर्मी लगती तो क्या करते हैं, पंखे के नीचे बैठते हैं। ठंडी लगती तो क्या करते हैं, हीटर में बैठते हैं, एक ही कमली ओढ़ते हैं। और थोड़ी ठंड लगती तो सहन करते, क्योंकि आप अगर सहन नहीं करेंगे और ये छोटी छोटी चीज़ों को अगर सहन करना नहीं सीखेंगे तो आप अभी से कमज़ोर हो जाएंगे, और कमज़ोर होंगे तो आगे भले ही आपका दिमाग कितना भी चलेगा पर शरीर अगर मजबूत नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपको पढ़ाई करनी भी होगी पर आपका शरीर कमज़ोर है, आपसे ठंड लग रही है, आपसे सहन नहीं होती है। अब आपको दो चार स्वेटर या थोड़ी सी ठंड सहन करने जाते हैं और आपको बुखार आ जाता है, और ऐसी स्थिति होगी तो आप पढ़ाई कर पाएंगे नहीं? आप फाइनल एग्जाम आई और इधर बुखार आ गया, आप कैसे पढ़ाई करेंगे? इसलिए थोड़ा दुख, ये थोड़ी सारी चीज़ें हम सहन नहीं करेंगे तो हमारा शरीर मजबूत नहीं होगा, और शरीर अगर मजबूत नहीं होगा तो फिर क्या होगा? फिर दिमाग कितना भी चलेगा पर आप एग्ज़ाम में पास नहीं हो पाएंगे, आप एग्ज़ाम भी नहीं दे पाएंगे। कुछ बच्चे होते बड़े आलसी होते। एक बार एक दादाजी बैठे हुए थे, पास में पोता भी बैठा था और उससे छोटा वाला पोता भी बैठा था। दादाजी ने अपने बड़े पोते से कहा कि बेटा ज़रा एक गिलास पानी लेकर आना। वो उठा नहीं क्योंकि वो मोबाइल में गेम खेल रहा था। आप भी गेम खेलते हैं ना? कौन से गेम खेलते हैं? ठीक है, खेलते हैं। कैसे गेम खेलते हैं? किसी को मारने वाले और पता नहीं क्या क्या आते हैं आपके, पबजी और कौन कौन से गेम होते हैं जिनमें ऊपर से नीचे कूदने का डेयरिंग आपको करने के लिए सिखाया जाता है, लेकिन वो सारी चीज़ें हमको अभी पता नहीं है आगे जाकर कितना नुकसान करने वाली है। आप बाजार की चीज़ें खाते हैं, अभी तो स्वाद कितना अच्छा लगता है, वो पिज्ज़ा कितना अच्छा लगता है, बर्गर भाता है आपको नहीं भाता है?
पानी पूरी भाती है, भाती है, बाजार की भेल भाती है, भाती है, ये सब अभी तो बहुत अच्छा लगता है, पर जब थोड़े और बड़े होंगे ना, जब शरीर में कितनी सारी बीमारियां हमको छोटी सी उम्र से हो जाती है, इसलिए इन सब चीज़ों को छोड़ना चाहिए। अब उस बच्चे को आया, दादाजी ने कहा बेटा एक गिलास पानी लाना, पर वो तो मोबाइल में गेम खेल रहा था, उसने सुना ही नहीं। कि दूसरी बार का बेटा पानी लेकर आ तो भी उसने नहीं सुना, तब वो छोटा बच्चा बोला कि दादाजी आप भी किसको बोल रहे हैं, ये भैया सुनता तो है नहीं। तो दादाजी को लगा कि शायद ये उठेगा और पानी लेकर आएगा, उसने कहा दादाजी इसको कहने से तो अच्छा है कि आप ही खुद जाकर पानी ले और पी लो, क्यों इसको बोलते हो, ऐसा आप करते हैं, मम्मी आपको काम बताती तो उठते कि नहीं उठते, हमारे सामने आ कर रहे कि सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, मम्मी नहीं बोलती तो भी काम कर देते मम्मी का, नहीं करते नहीं। इसलिए अभी से अगर आप शरीर को सहन करके मजबूत नहीं बनाएंगे तो आगे जाकर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और करने की कितनी भी इच्छा रखेंगे तो भी हमारे शरीर में अगर कमजोरी होगी तो हम इच्छा होते हुए भी उससे वंचित रह जाएंगे। इसलिए सबसे पहले बेयर करना है कुछ, ये बाहर के जो वातावरण में से जो हमको चीज़ें मिलती उनको सहन करना है, ठंडी सहन करना है, गर्मी सहन करना है, थोड़ी देर पैदल चलना है, बिना चप्पल के चलना है, ये सब करेंगे तो आपका शरीर मजबूत बनेगा। और उसके साथ साथ में किसी का बोला हुआ भी हमको सहन करना है, कोई हमको डांट देता है, आपके दो दोस्त होते हैं और उनके बीच में आपके बीच में लड़ाई हो जाती है, फिर कैसा मुँह फुला कर बैठते हैं, आता ना गुस्सा, उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा बोल दिया, पर यहाँ से अगर आप गुस्सा कम करना बंद नहीं करेंगे तो आगे जाकर क्या होगा, क्या होगा, फ्यूचर खराब होगा कि अच्छा होगा, खराब होगा। इसलिए बेयर करना है यानी सहन करना है। दूसरे नंबर पर केयर करना है, किसकी केयर करना है, सबकी, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि सबकी केयर करना, सबकी केयर कौन कर सकता है, जो दीक्षा लेता है, क्योंकि वो सारे जीवों की केयर करता है, आप कितने जीवों की केयर नहीं कर पाते, अगर आप दो भाई बहन हो या दो भाई हो या दो बहनें हो और मम्मी एक को पूछे और एक बीमार हो जाए नहीं पूछे तो आपके मन में क्या आता है, है बुरा लगता है, नहीं लगता है? कि मम्मी ने इसको तो पूछा ये बीमार हो गई तो इसकी इतनी केयर की, इसके पास की पास में बैठी रही, बार बार इसको कभी ये लाकर दिया, कभी वो लाकर दिया, कभी ये खिलाया, कभी वो खिलाया, और मैं बीमार हो गई तो मुझे पूछा ही नहीं, ऐसा नहीं होता आपको, तब मम्मी के लिए गुस्सा नहीं आता है, हाँ नहीं आता, तो बहुत अच्छी बात है जिनको नहीं आता, बाकी तो सबको आता ही है, थोड़ा तो लगता ही है। आपकी इच्छा होगी आपके जन्मदिन पर मम्मी ने आपको 500 रुपये की गिफ्ट दी और आपकी बड़ी बहन या भाई जो भी हो उसको 1000 रुपये की गिफ्ट दी तो आपको अच्छा लगता है, हैं क्या, हाँ कर रहे हैं, नहीं लगता हमको, बुरा लगता, क्यों लगता, क्योंकि मम्मी ने हमारे साथ क्या किया है, भेदभाव किया, उसके लिए हमारे लिए 500 रुपये की चीज़ लेकर आए, उसके लिए 1000 रुपये की चीज़ लेकर आए, ये चीज़ हमको छूटती है, हमको अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हमको ये लगता है कि मम्मी हमारी ध्यान कम रखती है और भैया या बहन की ध्यान ज़्यादा रखती है। आपको पता है पानी में कितने जीव होते हैं, कितने जीव होते हैं, और कोई जवाब है, अनगिनत जीव होते हैं, और कोई जवाब है, पानी में असंख्य जीव होते हैं, अनंत अलग होता है, असंख्य अलग होता है, और आप जो संख्या बोल रहे हैं वो तो सिर्फ चलते फिरते जीव की संख्या है, बाकी पानी तो खुद ही जीव होता है, वनस्पति में जीव है, वनस्पति किसको कहते हैं, पेड़ पौधे, और हाँ छोटे छोटे जानवर वो वनस्पति में आते हैं, जंगल को वनस्पति कहते हैं, ठीक है, और जल्दी जल्दी बोलिए फिर आपका समय पूरा हो जाएगा। सब्जियों में सब्जी वनस्पति होती है, फल फूल वनस्पति होते हैं, पेड़ पौधे वनस्पति होते हैं, और आपने देखा होगा बारिश के दिन में कहीं कहीं हरी हरी सब जम जाती है, उसको गाय बोलते हैं, उसमें भी जीव होते हैं, उसमें कितने जीव होते हैं, अनंत जीव होते हैं, हवा में भी जीव होते हैं, पानी में भी जीव होते हैं,
और उसके साथ साथ में नमक में भी जीव होते हैं, जो कच्चा नमक हम वापरते हैं उसमें जीव होते हैं, ये जो मिट्टी होती है ये मिट्टी में भी जीव होते हैं, उन जीवों की केयर आपको करना है क्योंकि उनकी केयर अगर हम नहीं करते तो हम बार बार बीमार हो जाते हैं। जैसे मम्मी हमारी केयर नहीं करती तो हमको अच्छा नहीं लगता, हमको ये लगता है कि भेदभाव कर रही है, ऐसे जिन जीवों के कारण हमको जीवन मिलता है। अगर हमको पूरे दिन पानी नहीं मिले, दो चार दिन तक पानी नहीं मिले तो क्या होगा, खाली तबीयत खराब होगी है? और कोई हमारा मुंह दबा दे तो क्या होगा? आपका मुंह अगर कोई दबा दे, अभी कोई आतंकवादी आ जाए, कोई टेररिस्ट यहाँ आ जाए और ऐसा करके पूरा मुंह दबा के रख दे 5 मिनट तक, तो क्या होगा, हमारा दम घुट जाएगा और हम मर जाएंगे। तो हम किसके कारण जीते हैं? जीवों, इन जीवों के कारण। हवा के जीव हमको, हम सांस लेते और छोड़ते तो ये हवा के जीव हम पर उपकार करते हैं, हम पानी पीते तो हमारी प्यास बुझती है, हमारा जीवन उससे चलता है। आपका भोजन जो आप हरी सब्जियां खाते हैं, अनाज खाते हैं, वो सब किससे आता है? वो वनस्पति गाय के जीव हमको वो सब पोषण देते हैं। ऐसे अग्नि जो अग्नि गाय के जीव होते हैं, जो आग होती है या बिजली होती है, वो सब क्या होते हैं? वो भी हमको जीवन जिलाने में सहायक होते हैं। हम कितने दिन भूखे रह सकते हैं? 5 दिन 10 दिन मासक श्रवण कर ले, 45 उपवास कर ले, 54 उपवास कर ले, 108 कर ले, 200 कर ले, फिर उसके बाद एक दिन तो खाना पड़ता ही है। तो हमारा जीवन किससे चलता है? उन सब चीजों से हमारा जीवन चलता है। तो इन सारे जीवों की हमको केयर करनी है। आपको एक ग्लास पानी की प्यास लगी हो, आधे ग्लास पानी की प्यास लगी हो और आप पूरा ग्लास पानी भरते हैं, फिर आधा भरते और आधा ढोलते कि नहीं ढोलते? नहीं ढोलते, ढोलते नहीं ढोलते, चलो वो तो नहीं ढोलते, ठीक है, अच्छी बात है। पर गर्मी के दिन आते हैं, आधी बाल्टी पानी से आप स्नान कर लेते, उसके बजाय एक बाल्टी पानी लगा लेते कि नहीं, थोड़ा और डाल लें, अच्छा लग रहा है, बहुत ठंडा लग रहा है, या ठंडी में गर्म गर्म पानी से स्नान करते तो वो पानी का उपयोग आप करते कि नहीं करते? ऐसे अच्छा वाटर पार्क कौन जाता है? जाते हैं ना वाटर पार्क, वो पानी में क्या होते हैं? जीव होते हैं। एक छोटा सा उदाहरण आपको देते हैं। अभी मान लीजिए यहाँ बहुत सारे बंदूक लेकर कोई 8-10 आतंकवादी यहाँ आ जाए और हम सबको कह दे कि सब तैयार हो जाइए, अब आपको सबको क्या करना है? भोजन थोड़ी कराने आते हैं, वो किस लिए आते हैं? हाँ, मारने के लिए आते हैं। वो कहते हैं आप किसी के भी प्राण बचेंगे नहीं, आप सब तैयारी कर लो, अपने अपने भगवान को याद कर लो और अब सिर्फ 5 मिनट का समय आपके पास है, 5 मिनट बाद आप सब मर जाने वाले हैं। अगर ऐसा कोई बोले तो मन में क्या होता है? कुछ होता है कि नहीं होता है? और फिर सबको लाइन से खड़ा कर देगी, बस एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक सबको शूट करते जाना है, आप सबको लाइन में खड़े कर दे, फिर किसी को दया आ जाए, किसी आतंकवादी को लगे कि ये बच्चे तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने सिर पर टोपी पहन रखी उन सबको छोड़ देते, ऐसा अगर कोई कह दे तो टोपी पहन लेंगे और वो ये कहे कि इन लड़कियों के सिर जिनके ढके उनको छोड़ देंगे, जिन्होंने बाद में सिर ढके उनको नहीं छोड़ेंगे, तो क्या होगा? ऐसे सबको खड़ा कर दे और फिर वो एक एक के पास चलता जाए और देखता जाए, कुछ की छट्टी कर दे, चलो लाइन से बाहर आओ, चलो लाइन से बाहर आओ। आपको पता नहीं कि वो लाइन से बाहर क्यों कर रहे हैं, हो सकता है जिनको लाइन से बाहर कर रहे हैं उनको मरना पड़े या जो लाइन में खड़े उनको मरना पड़े। और फिर थोड़ों को अलग करने के बाद बोले कि जिनको हमने अलग किया उनको नहीं मारेंगे, जो लाइन में बचे उनको मारेंगे, तो आपको क्या लगेगा है? जो लाइन आप समझ लीजिए, आप सब लाइन से बाहर है, कुछ लोग खड़े, जो नहीं आए वो लाइन में खड़े, अगर आप सब बाहर आ गए आपको क्या लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा, ये लगेगा कि ये सब लाइन में खड़े ये बेचारे मर जाएंगे और हम बच गए, ऐसा विचार आएगा आपको? नहीं आएगा। हमको तो यही होगा कि हम बच गए, बाकी का तो जो होना तो होता रहेगा, हमारे तो प्राण बच गए, हम तो घर जाएंगे, हम तो अपने मम्मी पापा के पास पहुंच जाएंगे, हम तो सही सलामत है। आपको पता है आप थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा ढोलते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा ढोलते हैं, उसमें कितने जीवों के प्राण जाते हैं, कितने जीवों के प्राण चले जाते हैं, असंख्य जीवों के प्राण चले जाते हैं। आप एक घंटा मोबाइल देखते हैं, मोबाइल बिना चार्ज के चलता है,
नहीं चलता है, उसमें बिजली का उपयोग होता है, कितने जीवों के प्राण उसमें जाते हैं। हाँ, तो जैसे हमको हमारे प्राण अच्छे लगते हैं, वैसे उन जीवों को प्राण अच्छे नहीं लगते, ऐसा तो नहीं है। ये है ना, उनको भी अपने, अभी हमको कोई कहते कि आप मरने के लिए तैयार हो जाओ, तो हम कितना घबरा जाते हैं। हम हमारे भगवान को याद करते हैं, नवकार मंत्र को याद करते हैं कि भगवान हमको बचा ले, हम प्रार्थना करते हैं, अब तो जो बोलेंगे वो सब कर लेंगे, पर हमारे प्राण बच जाए, ऐसा कहते कि नहीं कहते। अब तो हम दीक्षा लेने को भी कोई कहते कि भाई दीक्षा ले ले, तेरे प्राण बच जाएंगे, तो दीक्षा लेने के लिए भी तैयार हो जाएंगे कि नहीं होंगे? होंगे। तो क्योंकि हमको हमारे प्राण प्रिय होते हैं, ऐसे ही उन जीवों को भी अपने प्राण प्रिय होते हैं। हमको हम बोल सकते हैं, अभी हमारा कोई गला दबाए या हमको तमाचा लगाए तो हम रो भी सकते हैं, उसको दो शब्द बोल भी सकते हैं, अपनी पीड़ा को हम व्यक्त कर सकते हैं, वो जीव बोल सकते हैं, उनकी आवाज़ हमको सुनाई देती है, वो नहीं चिल्लाते, ऐसा नहीं है, उनको पीड़ा नहीं होती, ऐसा नहीं है, पर उनकी आवाज़ हमारे कानों तक पहुँच नहीं पाती है, उनका दर्द हमको पता नहीं चलता, क्योंकि वो हमको ऐसे दिखते ही नहीं। इसलिए उन जीवों की केयर करना है, क्योंकि जितनी आप केयर करेंगे उतने ही आशीर्वाद उन भी जीवों के आपको प्राप्त होंगे। जितने जीवों को आपकी तरफ से प्राणदान मिलेगा, जैसे वो आतंकवादी अगर हमको छोड़ देते हैं तो कैसे लगते हैं, फिर कैसे लगते हैं? आप उनको धन्यवाद दोगे कि नहीं, धन्यवाद आपने हमारे प्राण बचा, हमको छोड़ दिया? ऐसे ही जितनी चीज़ों का हम व्यर्थ उपयोग करते हैं, आपको जितनी चीज़ चाहिए उतनी ही वापस, अगर आप ज़्यादा चीज़ लेते हैं, कोई भी चीज़ लाए खाने की, आपने खा ली, आधा खाया आधा फेंक दिया, क्या होगा उससे, है क्या होता है आपको पता है उससे क्या नुकसान होते हैं? बहुत सारे जीव मरते, सही बात है। एक आपके जैसे थोड़े छोटे बच्चे थे, दो तीन, अब उनकी मम्मी उनको भोजन बनाकर खिलाते, उनको पसंद ही नहीं आता, वो कहते हमको तो आज पिज्जा खाना और आज बर्गर खाना और पता नहीं क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो चाउमीन और क्या मोमोज और नाचोज और क्या पता क्या क्या आते हैं, वो सारी चीज़ें खाना, हमको तो ये रोटी सब्जी नहीं खाना है। तब उनके दादाजी ने सोचा जरा इनको कुछ प्रैक्टिकल दिखाना पड़ेगा, तभी जाकर इनको समझ में आएगा, और वो एक अनाथाश्रम में उनको ले गए। सारा भोजन उन्होंने उनकी मम्मी से कहा कि थोड़ा अच्छा भोजन बना दो, और उसकी मम्मी ने दाल चावल रोटी सब्जी सब बनाकर टिफिन में पैक करके दादाजी को दिया। दादाजी उन दोनों तीनों बच्चों को लेकर अनाथाश्रम में गए, और वहाँ जाने के बाद उन्होंने थाली रखी उनकी और उनको भोजन उन्होंने परोसा। अब कैसे बच्चे होते हैं अनाथाश्रम में, उनको क्या खाने को मिलता है आपको पता है? आपका कितना पुण्य है, आपको इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को मिलती है, आपके मम्मी पापा आपका कितना ध्यान रखते हैं, एक से एक चीज़ें आपके लिए लेकर आते हैं और आपको भोजन करवाते हैं, आपका कितना पुण्य का उदय है कि ऐसे माता पिता मिले। अनाथाश्रम में कैसे बच्चे होते हैं जिनके माता पिता या तो होते ही नहीं है या उनको छोड़ कर चले जाते हैं, ऐसे बच्चे वहाँ रहते हैं। अब जैसे ही उन बच्चों ने इतना अच्छा भोजन देखा, वो तो ऐसे भोजन करने लगे और इतनी शांति से उन्होंने भोजन किया। जब उन बच्चों ने ये सारी चीज़ें देखी कि देखो हमको हमारे मम्मी पापा रोज रोटी सब्जी दाल चावल खिलाते हैं, तो हम तो थाली को खिसका देते और कह देते हमको तो ये नहीं खाना, हमको तो वही चीज़ खाना है, और देखो इनको ये सारी चीज़ें परोसी गई, तो ये कितने प्रेम से और कितने अच्छे से ये भोजन कर रहे हैं। तब उनकी समझ में आया कि ये भोजन कितना अच्छा है, हमको तो ये सब मिलता है इसलिए हमको ये सारी चीज़ों का पता नहीं चलता है, लेकिन हम फेंक देते हैं, हम झूठा डालते हैं। आप डालते हो झूठा, थाली परोसी आपकी जाती है कि आप खुद मम्मी से थाली लेकर आते हैं, क्या करते हैं? आप खुद लेकर आते हैं, फिर थाली बेसिन में रखने के लिए जाते हैं, जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जितना आप अपने हाथ से अपना काम करते हैं उतने ही जीव आपके कारण बच जाते हैं, और झूठा नहीं डालते तो असंख्य जीव बचते हैं। उसके बाद हमारी आखिरी बात है डेयर करना। किसमें डेयर करना आपको, जैसे यहाँ आने के लिए आपने डेयरिंग किया कि नहीं किया, साहस किया तो आगे बढ़े, ऐसे ही जीवन में कभी उपवास करने का डेयरिंग करना, कभी अट्ठम करने का डेयरिंग करना, कभी महाराज साहब के साथ में रहने का डेयरिंग करना, कभी आप जो कुछ करते थोड़ा त्याग करने का डेयरिंग करना, कम से कम एक दिन तो महीने में एक दिन दो दिन चार दिन टीवी का त्याग करने का डेयरिंग करना या मोबाइल त्याग करने का डेयरिंग करना, ये सारे डेयरिंग करेंगे तो ये बेयर केयर और डेयर एक दिन आपकी जिंदगी को फेयर बनाएगा। हमारा समय हो चुका है, परमात्मा की आज्ञा वृद्ध कुछ भी कहा गया इच्छा में। बोलो जिनी शासन देव की कोटि कोटि वंदन।
हमारे सब रिकॉर्ड अच्छा सुबह सुबह आप लोग आए तो आपको सबसे पहले सुरक्षित और नौकर से भी क्या करवाया था हर बार आप आते हो इतना अच्छा आपको टेस्टी टेस्टी फूड मिलता है ना ठीक है ना आपको पिज्जा बर्गर इसको याद नहीं आते ना इतना अच्छा मिलता है हमारे पास आके आपको क्या समझाया कि जब चीज़ों से भी अच्छा खाना हमारा शुद्ध होता है इतना शुद्ध खाना जो हमको बनाते हैं ना यहाँ पर वो नौकर परिवार के भैया वैसे तो शरद भैया और रवि भैया दोनों ही बहुत अच्छे से नरेंद्र भैया लोग सब मिलकर के काम करते हैं आज हमारे बीच में शरद भैया नहीं है लेकिन ये जो है ना सब छुपे रुस्तम है सब नीचे आपकी पूरी व्यवस्था करते हैं लेकिन ऊपर मंच पर आगे आना सबके बीच में आना वो उसकी बजाय वो सोचते हैं कि सब बच्चों के लिए हम कितना अच्छा कर सकें वो उनका भाव होता है और रवि भैया हमारे बीच में बैठे रुपया दो मिनट खड़े हो जाओ दो मिनट खड़े हो जाओ ना सबको मालूम तो पड़ेगा रवि भैया कौन है ये रवि भैया और उनके साथ में शरद भैया नरेंद्र भैया ऐसे कई मित्र हैं जो मिलकर के साथ में काम करते हैं ठीक है मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बेटा जीवन में हमको जीव शासन मिला है आप सब श्राविकाएं बनेंगी और अच्छे भाव हो गए तो क्या लेंगी दीक्षा भी ले सकती हैं आप तो अच्छे श्रावक बनेंगे और अच्छे भाव हो गए तो क्या बनेंगे संयमी बनेंगे लेकिन हम जब भी शासन से जुड़े तो हमारा भाव होना चाहिए कि कुछ आदर्श लोग हमारे सामने होना चाहिए मैं रवि भैया के लिए तालियां क्यों नहीं मालूम है आपको इसलिए नहीं कि वो सिर्फ खाना बनाते हैं और खाने की पूरी व्यवस्था जमाते हैं इसलिए तालियां बजी कि वो जैना पूर्वक बनाते हैं जैसा भगवान ने हमें आगमों के अनुसार बताया है कि जीवों की हिंसा नहीं हो पानी छनावा होना चाहिए धान बिनावा होना चाहिए जहाँ खाना बन रहा है सुबह सुबह वहाँ जगह ढकी हुई होना चाहिए जो भी हम खाना बना रहे हैं उसमें जो द्रव्य उपयोग में आने वाले वो भक्ष होना चाहिए अभक्ष नहीं होना चाहिए ये वो करते इसलिए हमने तालियां बजाई ऐसे तो बहुत सारे पेट्रोल लोग भी होते हैं जो खाना बनाते हैं जैसा की शादियों में हमें तालियां उनके लिए नहीं बजाना अनुमोदना उनके लिए नहीं करना जो ऐसा काम कर रहे करना उनके लिए अनुमोदना जो इस तरह से जैना पूर्वक परमात्मा की आज्ञा का अनुसार खाना बनाने की व्यवस्था जमा रहे जोरदार ताली एक बार पुनः नंबर दो और उससे खुशी की बात आप कहीं भी जाते हैं शादियों में जाते हैं कहीं भी जाते हैं तो खाना कैसे खाते हैं आप बेटे बेटे खाते हैं कि लाइन में लगकर के खड़े होते हैं क्या करते हैं हमारे यहाँ पर जब भी आप छठा सेमिनार है बताओ हर सेमिनार में कैसे खाना खाया बैठते हैं लोग परोसदारी करते हैं ना तो भाव उससे झलकता है कि मुझे कुछ इनकी भावना है कि मैं कुछ अच्छे से वापरूँ मतलब भोजन अच्छे से ग्रहण करूँ परोसदारी करते हैं और ये हम क्या करते हैं हाथ में थाली लेकर के क्या करेंगे खड़े होते हैं तो हमारा प्रयास ये होता है कि हमने सोचा ये कि वाटिका में जब भी कोई कार्यक्रम है तो मिठा करके खाना खिलाएं और उसकी व्यवस्था को भी मजबूत बनाने में रवि भैया शरद भैया नरेंद्र भैया आदि जो मित्र गण हैं मंगलेश भैया भी हैं हमारे जो चारित्र महाराज साहब है ना पितर बेटे उनके संसारी भाई वो भी पूरा सहयोग देकर के इन व्यवस्थाओं को मजबूत बनाने का प्रयास करते हैं आइए हमारे बीच में जैसे अतिथि महोदय में हमारे आरती देवी साहब थे लाभार्थी परिवार में जयंती लाल जी साहब श्री श्रीमान आदि परिवार उसमें एक और लाभार्थी परिवार हमारे बीच में पधारे हैं श्रीमान नाथूलाल जी साहब सोनी परिवार विपिन भैया हमारे बीच में पधारे हैं तालियों से उनका भी अभिवादन करें दो सेशन छोटे छोटे और होंगे जिसमें आपको चारित्र तंत्र सागर जी महाराज साहब आदि उनके साथ में मुनि भगवान पधारे हैं
वो आपको बहुत अच्छे से धर्म मार्ग में आगे कैसे बढ़ना और हमारे जीवन में रहे हुए सद्गुणों को प्रकट करके हमारी आत्मा का विकास कैसे करना, वो सब अभी समझाने वाले हैं। और उसके बाद में लास्ट में फिर एक गेमिंग का प्रोग्राम होगा जिसमें आप सारे बच्चों को बहुत अच्छा सा गेम खिलाया जाएगा। और गेम्स के लिए हमारे आप कौन आए हुए हैं, आप ब्लू शर्ट में पहचान गए कौन से सर हैं, वो कौन है विशाल सर है, तो वो आपको आकर के बहुत अच्छे से गेम्स खिलाएंगे लास्ट में गेम। और गेम के बाद में फिर प्राइज होगा, उसके बाद में एक चीज अभी रह गई आपको याद नहीं आ रहा है, कुछ नहीं हुआ हमारे बीच में, क्या नहीं हुआ है आज हमारे बीच में, ड्रामा नहीं हुआ है अभी तक। हर बार बोले तो पाठशाला बहुत अच्छा ड्रामा पेश करती है, आज सबसे पहले हम उस पाठशाला के बच्चों को बुलाएंगे, जयंत भैया से बोलूंगा वो आगे बता रहे हैं, जिस पाठशाला ने आज बहुत सुंदर ड्रामा तैयार करा है वो बच्चे आकर के अपना ड्रामा करेंगे। ड्रामे के तुरंत बाद भोजन के प्रवचन, उसके बाद में गेम, और गेम के बाद में फिर आपकी भोजन, और भोजन के बाद में सब किस में जाएंगे फिर अपने घर, ठीक है। चलो जय पाठशाला, क्या नाम है सिमंदर स्वामी, चलो सिमंदर स्वामी पाठशाला मास्टर नगर दीदी आगे बता रही है। दो बच्चे का है आपकी आदिनाथ परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन करते हुए भक्त हृदय सम्राट पार्श्वनाथ प्रभु की अमृतमय छत्र छाया में इतना सुंदर आयोजन मेघ संस्कार वाटिका नौका परिवार के द्वारा बच्चों को जो शिक्षित करने का, संस्कारित करने का यह अनूठा आयोजन किया गया है, उसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। जीवन की सबसे कीमती चीज दिमाग होती है, मस्तक के अंदर दिमाग होता है, उसको मजबूत रखने के लिए वो ढका हुआ होना चाहिए। आपने जो पगड़ी पहनी है वो मस्तक को मजबूत रखने के लिए, हमको हमारे पूर्वजों को याद करना चाहिए, वो सेकंड क्लास थर्ड क्लास या फोर्थ क्लास तक पढ़े हुए होते थे, ये उनका गणित आप सबसे मजबूत रहता था, उनका ज्ञान आप सबसे पावरफुल रहता था, उसका कारण है सब टोपी का उपयोग करते थे, कोई मस्तक जिसका पावरफुल रहता वो हर जगह पूजा था, मान सम्मान को प्राप्त करता। सबसे पहला संस्कार आपके जीवन में ये आया है कि आप पगड़ी पहनना सीखे, शादी करने जाते हो या दिवाली का चोपड़ा पूजन होता है तो टोपी पहनते कि नहीं पहनते, पहनते। तो ये संस्कार पहले से हमारे जीवन में उतरे हुए, बहनों के माथे ढके हुए, छोटी छोटी बहनें जो मस्तक ओढ़ के बैठी है, ये संस्कार अभी से इनके जीवन में डल रहे हैं, यहाँ पर आकर कुछ सुने या नहीं सुने लेकिन संस्कार तो लेके ही जाएंगे, वो संस्कार ही व्यक्ति के जीवन में असर करता। आदिनाथ भगवान का नाम इसीलिए लिया गया, जीवन कैसे जीना उसकी कला, वो जीवन जीना वो परमात्मा के समय से चालू हुआ। सबसे पहले मैनर्स, हमारा आचार वो कैसे होना चाहिए, सबसे ज्यादा समय हमारा किस व्यक्तियों के बीच में व्यतीत होता है, बच्चों का समय माता पिता गुरु भाई बहन और दोस्तों, इनके अलावा आपका कोई समय व्यतीत होता है क्या, बस पाठशाला में मित्र मिलेंगे या गुरु जी मिलेंगे, और इसके अलावा खेलने जाओगे तो दोस्त मिलेंगे, स्कूल में जाओगे तो टीचर मिलेंगे, घर पर रहोगे तो माता पिता मिलेंगे, अधिकतर समय माता पिता
भाई बहन, गुरु या मित्र, इसके अलावा आपका कोई समय व्यतीत होता नहीं है। मोबाइल तो जब टाइम मिला तो मोबाइल के पास आएंगे। एक व्यक्ति था फॉरेन के, कुछ लोग इंडिया में घूमने के लिए आए, उनके साथ उनके प्रोफेसर भी थे, स्टूडेंट थे कॉलेज के पढ़े लिखे। उन्होंने एक जगह गए समुद्र के किनारे, वहां पे बहुत सारे लोग एक जगह जा रहे थे, कोई घी का डब्बा, कोई तेल का डब्बा, कोई मिठाई के टोकने, फ्रूट के टोकने सब ले जाकर वहां रख रहे थे, कोई चावल दाल चावल के थैले सब ले जाकर वहां पर रख रहे थे। जो युवा थे फॉरेन से आए थे, उन्होंने पूछा उनके प्रोफेसर से कि ये सब लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इतनी मिठाई, इतना फ्रूट, इतना तेल घी, ये सब क्यों चढ़ा रहे हैं, इसका कारण क्या? जो प्रोफेसर थे बहुत होशियार थे, उन्होंने बोला इनको कैसे समझाना, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो शिवलिंग है, जो मंदिर है, वो हजार साल से यहाँ पर ही है। क्या बोले? हजार साल से यहाँ पर ही है, वो स्थिर है। कैसा? एक जगह अचल है, यहाँ से हिला नहीं। जो एक जगह स्थिर हो जाता है, अचल हो जाता है, हिलता नहीं है, वो पूजा के योग्य हो जाता है। क्या कहा? जो स्थिर हो जाता है, हिलता नहीं है, डामाडोल नहीं होता है, वो पूजा के योग्य हो जाता है। आप सब लोग भी पूजा के योग्य हो। पूछो क्यों? आज कौन सा सेमिनार है आपका? सिक्स। पांच सेमिनार सरंग किसने अटेंड करा? हाथ ऊंचा करना जरा। बहुत बड़ी संख्या में आपने अटेंड करे, इसलिए आप अपने लिए ताली बजाओ। अभी तक आपने सबके लिए ताली बजाई, आपकी तालियों में भी दर्द नहीं है। अपने और हर सेमिनार में आपको एक टास्क दिया जाता था, कभी आपसे प्रश्नोत्तरी होती थी, कभी आपको परमात्मा के कल्याणक, पांच कल्याणक कौन कौन से होते? हाँ बोलो भैया, बोलो बोलो, हाथ ऊंचा कर रहे थे। हाँ बोल, पांच कल्याणक के नाम कौन कौन से? जीवन कल्याणक, शिक्षा कल्याणक, मोक्ष कल्याणक, जन्म कल्याणक और केवल कल्याणक। बराबर, ठीक, ठीक। एक टास्क दिया गया कि चातुर्मास में आपके जीवन में क्या परिवर्तन है। किस किसने इसको भर के वीडियो बनाई थी? बहुत अच्छा। जीवन में कोई परिवर्तन आया? हाँ, क्या परिवर्तन आया? क्या इम्प्रूवमेंट करा? देखो आप इतनी समझ तो है इनमें कि बुरे लोग कौन है, बुरा गेम क्या है। एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट, प्रेरणा। यहाँ के जो टास्क देने वाले कार्यकर्ता जैन भाई, शुभम, ये बच्चों को आगे कैसे बढ़ाना, उसके लिए थिंक टैंक बोलते ना, सोचते तो है कि इनको कैसे आगे बढ़ाए। जो आपने कल्याणक का टास्क दिया था, तो उसमें बच्चों ने पूछा कि चवन कल्याणक क्या होता, जन्म कल्याणक क्या होता, इसके फायदे क्या। बहुत से लड़कों ने तो ये नाम भी पहली बार सुने होंगे कि कल्याणक होता क्या। इससे थोड़ा थोड़ा ज्ञान जिन शासन का इनको प्राप्त होता। ऐसे अच्छे अच्छे परीक्षा के हिसाब से आपने जो जो इनको आगे बढ़ाने का पुरस्कार करा है, वो सलंग आने वाले के लिए बहुत बेनिफिट है। तो आज के लिए हमने देखा कि आप आए तो आपने कुछ नया सीखा, उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। आज हमको जो देखना है कि माता पिता के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। कोई बहुत सा समय जिंदगी के 15 साल माता पिता के साथ रहने का मौका मिलता है। जब आप जन्म लेते हैं उसके 9 महीने पहले से, कितने आपका कनेक्शन आपकी माता के साथ हो जाता है। वो 15 साल तक बच्चा माता पिता के पास रहता है।
तो माता के साथ कैसे रहना? परमात्मा महावीर स्वामी जब माता त्रिशला के गर्भ में आए, इसकी जरूरत नहीं बंद करवा दो, सुनो खाली, परमात्मा महावीर स्वामी जब त्रिशला माता के गर्भ में आए, इसको हटा ही लिया करो भैया, इसका चेहरा उधर ही करो, भाई बंद है, इधर रखो, वो क्या लगेगा, उधर ही रखने के लिए मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान आरसी जैन साहब को, यहाँ पर आमंत्रित करूंगा कि वे पधारे और मेघ संस्कार वाटिका की तरफ से हमारा बहुमान स्वीकार करें। श्री आरसी जैन साहब और साथ में उनके शाविका जी भी पधारे हैं, वे भी पधारे और हमारे आज के बहुमान स्वीकार करें, और बहुमान करने के लिए मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ। और भंडारी जी और जयचंद जी साहब श्री श्रीमान तीनों पधारिए, और हमारे मुख्य अतिथि आज के श्री आरसी जैन साहब का बहुमान के पधारे, और शादिका जी उनकी शादिका जी के बहुमान के लिए मैं हमारे पाठशाला की दीदी जी श्री बोला था श्रीमान जयंती लाल जी साहब, नवीन कुमार जी, प्रवीण कुमार जी, तो ये जो हमारे प्रवीण गुरु जी है, ये इन्हीं का परिवार, इनके पापा और इनकी मम्मी जो हमारे बीच में थे, अभी इनका बहुमान किया, और अब हमारे प्रवीण गुरु जी का बहुमान करना है ना, करना है। अरे माता पिता में सब बहुमान आ गया, विपिन भाई सोनी को बुला लो, अरे बुला लो,
तो उनके साथ ही करते हैं। अब इनके बाद में हमारे अगले लाभार्थी आज के श्रीमान नाथूलाल जी साहब, मानमल जी साहब, सोनी परिवार से श्री विपिन जी और नितिन जी सोनी दोनों हमारे बीच में है, उपस्थित है। आइए पधारिए, श्री मेघ संस्कार वाटी का आपका बहुमान करना चाहती है। आइए पधारिए। और इनके बहुमान के लिए मैं हमारे आज के जो पेरेंटिंग टीचर है हमारे विशाल जी, आप आइए और हमारे दोनों लाभार्थी का बहुमान कीजिए। आइए पधारिए। आइए श्रीमान सोनी परिवार से नितिन भैया और विपिन भैया, आपके बहुमान चिराग, मरोजिन साशनम लहरा लो। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, शिविर को, जिस चीज का आप सब बच्चों को काफी देर से इंतजार था, अब हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। जो बच्चे आप शांति रखोगे तो आगे ड्रामा शुरू करवाएं। ये इनको चुप करो, बच्चों को बीचों से बेटा प्लीज। चलिए सब लोग सीधे बैठिए, अपने पैर सीधे कीजिए, कमर सीधी। अभी आपके बीच में श्री सीमंदर स्वामी पाठशाला गुमाश्ता नगर के बच्चे आपके बीच में आए हैं। ये कुछ ड्रामा आपके बीच में लेकर के आए हैं, देखिए किस तरह के ड्रामा होता है। एकदम शांति बनाए रखिएगा, एकदम शांति बनाए रखिएगा बेटा। देखिए जो पाठशाला हमारे बीच में प्रस्तुति दे रही है, उस सिमंदर स्वामी देरासर में उपाश्रय में जिनका चातुर्मास था, परम पूज्य सुपार्श्व निधि महाराज साहब, देखो कितनी खुशी की बात है जब उस पाठशाला के बच्चे प्रस्तुति दे रहे हैं। तो बच्चों आपके लिए बहुत खुशी की बात है कि वो महाराज साहब पधारे जिनके सानिध्य में आपने चार चार महीने बिताए हैं। तो पूज्य साध्वी जी को उनको पुनः वंदन करते हुए अब बच्चों की आप प्रस्तुति हो रही है। जोरदार तालियों से बच्चों का स्वागत करो बेटा, सभी दमदार तालियां हो, जोरदार तालियां हो। क्या दम ही नहीं है, बार बार बोलना पड़ता, तालियां बजाओ ना। उन्होंने इतना अच्छी प्रस्तुति देने के लिए यहाँ पर आए। ऐसे देखिए इसी खुशी के पल में आपके बीच में एक और घोषणा कर रहा हूँ। आज हमारे जो मुख्य अतिथि पधारे श्रीमान आरसी जैन साहब, उनकी ओर से मेघ संस्कार वाटिका को 11,000 रुपए की राशि दी जाएगी। उसके लिए उनकी बहुत बहुत अनुमोदना, जोरदार तालियों से उनका अभिवादन करें। पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में हमारा कोटिश्वर वंदन तथा यहाँ विराजित सभी साधु भगवंत और साध्वी भगवंत को हमारा वंदन और आप सभी को हमारा जय जिनेन्द्र। आज हम राजेंद्र जयंत जैन धार्मिक पाठशाला गुमाश्ता नगर के बच्चे आप सभी के समक्ष चार गति के ऊपर एक प्रस्तुति प्रस्तुत करने जा रहे हैं। महाआरंभ, महापरिग्रह, पंचेंद्रिय का वध, मध्यमास, इन चार कारणों से मैं नरक में आई हूँ। पूर्व भव में मैंने जो पाप किए हैं इसलिए मैं यहाँ हूँ। कृपया आप ये गलती ना करें। माँ बाप यहाँ होते नहीं, परिवार भी बनता नहीं। बाप कुंभी में होता है जन, पाते हैं वेदना है। छल कपट करना, असत्य वचन बोलना और झूठा नापतोल करना, इन्हीं कारणों की वजह से मेरा जीव यहाँ तिर्यंच गति में आया है। तिर्यंच गति में गयो जीवड़ो,
पायो दुख अपार जी, बकरे रे भव में जिंदा कटियो, मछली भव दुख कार जी। सरलता, विनम्रता, दयालुता, अहिंसा प्रेमी होना, इन्हीं सब कारणों की वजह से मेरा जीव मनुष्य लोक मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, मिला है फिर न मिलेगा, तो व्यर्थ न इसको छोड़ रे। संयम असंयम सराग संयम, बाल तप अकाम निर्जरा, इन्हीं कारणों से मेरा जीव देवगति में आया है। सब सुख है यहाँ, सब शांति है, धन धान्य और समृद्धि है, एक ही दुख की बात है, धर्म ध्यान नहीं कर सकते यहाँ। हम सबकी है प्रार्थना, जीवन है सवार ना, चल सब में कर भक्ति साधना, मिल जाएगी मंजिल इस तरह, मंजिल इस तरह, चार गति के पार से सिद्धों का संदेश ये, चार गति के पार से सिद्धों का संदेश ये, चेतन आत्म को ध्याना, परमात्म पद पा जाना, ये पर्याय सफल करना, सिद्ध शिला पर आ जाना, चार गति के पार से सिद्धों का संदेश। जय जिनेंद्र, धन्यवाद। देखिए बच्चे तो पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन जिन दीदी ने इन्हें तैयार किया है, सोनल दीदी, एक बार उन सभी की उनके लिए बहुत जोरदार तालियां बजाइए। मात्र चार मिनट से भी कम में हमको चार गति का पूरा स्वरूप बता करके कि किस गति में हम किस भाव को करने के कारण जाते हैं, और उस जाने के बाद उस गति में क्या दुख मिलता है, और नरक में क्या दुख है, तिरंज में क्या दुख है, मनुष्य भाव में क्या सुख है, और देवता के भाव में सुख होने के बाद भी संयम नहीं है, ये सब बताया हमें, उसके लिए बहुत बहुत अनुमोदना ऐसी पाठशाला की, पुनः पुनः अनुमोदना। और तो अब जिन पाठशालाओं के बच्चों ने ऑनलाइन वीडियो बनाने के टास्क में भाग लिया था, यहां पर उन पाठशाला के बच्चों को विशाल भाई से पहले वो करवा लेते, विशाल भाई प्राइज लास्ट में दे देते हैं, विशाल भाई जब तक गेम्स करवा देंगे। चले सही बच्चे गेम्स के लिए तैयार हैं, तो मैं किनको बुला रहा हूं, विशाल सर को, वो आपके बीच में आ रहे हैं, आकर के एक बहुत प्यारा सा गेम्स आप सबको करवाएंगे, सभी अनुशासन में रहना, मस्ती बिल्कुल नहीं, संयम, जो भी बच्चा मस्ती करे बिल्कुल उसको वहां पर कॉर्नर पे खड़ा कर देना, है ना, बिल्कुल दीवार के सहारे, ताकि सबको पता चले कि यही बच्चे हमारे यहाँ मस्ती करते हैं, ठीक है। अब करो जिनको मस्ती करना, वो संयम भैया खड़े हैं, हर्ष भैया, हर्ष उधर से, बॉयज में कोई भी दिखे हाथ पकड़ के सीधे ला करके दीवार के सहारे खड़े कर देना, तो सबको पता चलेगा कि हमारे यहाँ डिस्टर्ब करने वाले बच्चे यही है, जो पाठशाला का शिविर चल रहा है संस्कार वाटिका का। इधर गर्ल्स में भी बिल्कुल ध्यान रखना, संयम, जो भी गर्ल्स में अगर आपको ज्यादा बात करते हुए दिखे, मस्ती करते हुए दिखे, तो वो बहन को सीधे खड़ा करके ये जो लेमन कलर का पर्दा है वहां पर कॉर्नर पे खड़े कर देना, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम गेम शुरू कर रहे हैं, विशाल भी आइए। देखिए हमारे बीच में शुभम भैया, संयम भैया तो है ही सही, विनीत एक मिनट खड़े होना, ये जो विनीत भैया है ना, अभी आप जितनी भी बस में आते हो उस पूरे बस का जो प्लान करते हैं, कौन सी पाठशाला में कितने बच्चे ने ऑनलाइन फॉर्म भरे हैं और किस पाठशाला में कितने बच्चे बसों में बैठ करके आएंगे, उसका पूरा प्लानिंग करना, उसमें विनीत भैया और विनीत भैया के साथ में अभी इस बार हमारे साथ कीर्ति भाई शाह भी जुड़े हैं, अलग अलग जगह से बसों की व्यवस्था करने में, तो हम उनकी भी बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। आइए हम एक बार तालियां बजा लो, ठीक है, चलिए विशाल भैया आइए। हम कैसे बैठते हर बार, वेरी नाइस, इच्छा का संधि सह भगवन, इच्छा कारेण संधि सह भगवन, इच्छा कारेण संधि सह भगवन, अहो तीर्थंकर परमात्मा, हे गुरुदेव, अपने अपने गुरु का स्मरण करेंगे,
उपस्थित गुरुवर साध्वी भगवान साध्वी जी भगवान को वंदन करेंगे। सभी की आज्ञा मार्गदर्शन और आशीर्वाद से हम अपना कार्यक्रम आगे का बढ़ा रहे हैं। ठीक है, सभी गहरा सांस लेके गहरा सांस छोड़ेंगे। अच्छा, हम गेम खेलेंगे, तो जो गेम है कौन सा होगा? भागा भागी का होगा क्या? इट इज ऑल्सो जैनिज्म बेस, राइट? अच्छा, हम सब जितने भी यहाँ पर बच्चे बैठे हैं, कभी कभी लगता है आप लोगों को कि हम जैन हैं और जो लोग जैन नहीं हैं, हम लोगों को इतने सारी चीज़ें जो हमको करने के लिए बोली जाती है, हमको संस्कार वाटिका में हमारी साथ दीदी लोग सिखाते हैं, उनको भी अनुमोदन, हमको सब सिखाते हैं, हमारे पेरेंट्स सिखाते हैं, साधु भगवान सिखाते हैं, हमारे शास्त्र सिखाते हैं, पर हमारे फ्रेंड्स लोग तो ये सब नहीं करते। कुछ भी खाते हैं, चिप्स के पैकेट खाते हैं और मैकडोनल्ड्स जाते हैं, डोमिनोज जाते हैं, हम लोगों को क्यों मना करते हैं? कभी कभी लगता है हमको भी करना चाहिए, सब मन में लगता है। हाँ, हमको क्यों चैलेंजेस है? रात को नहीं खाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, हम ही मोक्ष में जाएंगे, वो लोग नहीं जाएंगे। हम जैन हैं तो हमको ये सब क्यों रिस्ट्रिक्शन लगा दिए, लगता है क्या बच्चों? हेलो, सबने ब्रेकफास्ट किया ना, सुबह एप्पल शेक पिया ना, तो फिर किसी को लगता है नहीं लगता है? थोड़ा थोड़ा सब बच्चे हैं ना, हम, मैं भी बच्चा ही हूँ, है ना, प्रभु के सामने सब बच्चे ही हम, तो हम सबको ये लगता है ना? अच्छा, हम पहले के जितने भी क्लासेस में अभी सेमिनार हमने अटेंड किए, थोड़ा सा रिवीजन करके आगे बढ़ते, थोड़ा सा आपको गेम खिलाने के पहले कुछ चीजें बताऊंगा, इम्पोर्टेंस, कुछ दो इम्पोर्टेंस हमने लास्ट सेमिनार्स में समझे थे, दो तीन, है ना। सबसे पहले आप लोग कैसे हो, जोर से बोलो। यस, आप ऐसे रिप्लाई करते हो आप सबको कि हम अच्छे हैं, आई एम गुड, थैंक यू, ऐसे बोलते हो? अरे, कोई भी पूछता है ना कैसे हो तो कैसे बोलना है? यस, कभी भी रिप्लाई ये नहीं देना है हम अच्छे हैं, हम बढ़िया है, हम खुश है, आई एम गुड, ऐसे रिप्लाई नहीं देना है। किसकी कृपा से हम खुश है? यस, ये बात हमेशा हमको उनको ही क्रेडिट देना है। दूसरा, सबने पूजा करना स्टार्ट किया, पूजा का इंपॉर्टेंस समझा था ना सबने? वीकली किया एटलीस्ट कि नहीं किया? किस किसने नहीं किया? वेरी ऑनेस्ट। और किसने किसने नहीं किया? ओके, आप करेंगे? छुट्टी छुट्टी के दिन तो कर सकते हैं, जिनका दिन का स्कूल है वो दिन में जाए, सुबह जा सकते हैं ना। अच्छा, सब लोग बताओ, सरदार जी को कैसे पहचानते हो आप? अच्छा, कोई मुस्लिम चाचा होते हैं या उनके जो भाई लोग बोलते हैं उनको, उनको कैसे पहचानते हो? टोपी से। और हमको कोई कैसे पहचानेगा? हमारा मंदिर का मस्तक पे तिलक होना चाहिए कि नहीं? हम, हमारी आइडेंटिटी मनुष्य गति में, हमारी आइडेंटिटी हम जैन है, पता कैसे चलेगी? कैसे चलेगी? आप स्कूल जाओगे तो आप डिफरेंट कैसे दिखोगे? सरदार जी डिफरेंट दिखते कि नहीं दिखते, है ना? तो हमारी आइडेंटिटी, रोज मंदिर तो जाना ही जाना है, दर्शन तो करना ही करना है। अच्छा, हम कौन हैं? जैन हैं। अच्छा, हमने लास्ट वाले सेमिनार में हमारी आइडेंटिटी समझी थी, नाम और जन्म और मरण से, याद है? समझ, सबको याद है? हमारी नाम हमारी आइडेंटिटी है? नो, देन व्हाट वी आर? यस, हम एक सोल है, हम एक चैतन्य है, हमारी एक चेतना है जो एक शरीर में, इस अजीव शरीर में, हमारी सोल निकल गई तो हमारा शरीर क्या हो गया? जीव क्या है? ये नौ तत्व में आप सीखोगे, आप बड़े होंगे ना जब, डिटेल में सीखोगे जीव अजीव क्या होता है, लेकिन सोल निकल गई तो क्या होगा? हम अजीव होंगे। अब सोल क्या करता है? ट्रैवल करता है, हमने सीखा था लास्ट टाइम, सबने सीखा था, राइट?
अभी बच्चों ने प्रोग्राम दिया, कौन कौन सी गति में ट्रेवल करता है? वेरी नाइस। पता है कितने कितने गतियों में से 84 लाख गतियां होती है, पता है कितनी? 84 लाख। इनमें सब चारों कैटेगरी आ जाती है, 84 भाव होते हैं, अलग अलग जीव होते हैं, नारकी जीव और देवलोक के जीव, मनुष्य गति और त्रियांज गति के जीव। उसमें से पता है 52 लाख जो जीव होते हैं ना, वो बोल भी नहीं सकते, उनके पास वो इंद्री नहीं होती जिससे वो बोल सके। आप बोल सकते हैं ना हम सब? 84 में से 52 लाख तो माइनस हो गए, उनको बोलने को भी नहीं दिया भगवान ने, राइट? और हम कहां पे पड़े हुए थे? पूरे वर्ल्ड में, पूरे ब्रह्मांड में, हर जगह खचाखच जीव भरे हुए, पता है, यहाँ पे इस रूम में, पानी के बॉटल में, पानी के मटकी में, हर जगह बारीक बारीक। अभी साध्वी जी भगवान ने जीव विचार के बारे में पढ़ाया ना आप लोगों को, हर जगह खचाखच जीव भरे हुए, कहीं पे हम भी ऐसे पड़े हुए थे, राइट? पर हमने कभी ना कभी परमात्मा की वंदना की होगी, परमात्मा की धर्म आराधना की होगी, हमारे कुछ अच्छे कर्म थे तो हमको वहां से, एक आलू की सुई की नोक के बराबर में कितने जीव होते हैं? असंख्य जीव होते, अनंत काय जीव होते, उसमें कहीं निगोद में हम कहीं पे जीव पड़े होंगे, वहां से उठा करके हमको कहां पे डाल दिया? कहां पे? मनुष्य गति में डाला। और मनुष्य गति में भी हमको क्या दे दिया? जैन धर्म। और जैन धर्म हमको कहां पे ले जा सकता है? मोक्ष। अब मोक्ष क्या होता है, लाइफ क्या होती है और डेथ क्या होती है, सब लोग थोड़ा डिटेल में अपने जो भी पास में साधु भगवंत रहते हैं उनसे डेथ को जरूर एक्सप्लेनेशन समझना कि डेथ क्या होती है। जिसको डेथ समझ में आ जाती है ना, उसको जीना आ जाता है, राइट? हम श्रावक जीवन में भी जिए तो हमको जीना आ जाता है। डेथ को सब समझेंगे ना, अभी हमारे पास समय कम है तो हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, पर हम कितने करोड़ों करोड़ों साल से ट्रेवल कर रहे हैं, कितने साल से, है ना? पलियोपम क्या होता है, सागरोपम क्या होता है, आपके टीचर दीदी से पूछना, साधु भगवान के पास पूछना क्या होता है, पता है पलियोपम क्या होता है? पता है? ओके, करोड़ों साल होते हैं, इतना समझ के चलो अभी, राइट? उतने सालों से हम ट्रेवल करते हैं, एवरीडे हमारी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं ना। चलो अब दो बच्चे आएंगे, एक छोटा बच्चा और एक थोड़ा बड़ा बच्चा, एक बॉय आ जाओ एक गर्ल आ जाओ, आगे आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एक बच्चा आ जाओ इधर से, आप भी कोई भी आ जाओ, अच्छा एक अपन अपने भैया, इन भैया को बुला लेते, आप भी आ जाओ, आप इधर आ जाओ। अच्छा आपने सबने मम्मा लोगों को, मम्मा लोगों के वॉर्म में रहते हैं बच्चे, जब देखा है कैसे बैठते हैं, पिक्चर देखा है कैसा रहते हैं, ऐसे करके और पैर फोल्ड करके ऐसे बैठ के, बताओ बैठ के, बताओ बैठो नीचे बैठो, अरे प्लीज बैठो 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 बेटा, बच्चा बैठ जाओ, बैठो नीचे ऐसे बैठो, चलो मैं भी बैठ के बताता हूँ, ऐसे बैठो, ऐसे बैठो, बैठो फास्ट वीक, अपने पास टाइम कम है, ऐसे बैठो, हाथ नहीं, हाथ नहीं, सपोर्ट नहीं, हाथ भी ऊपर, घुटने को भी सपोर्ट नहीं देना, ऐसे बैठे रहना। कितनी देर तक, कितने मिनट बैठ सकते हो, कितने मिनट बैठ सकते हो? एक घंटा बैठ सकते हो? बैठाओ पक्का बैठ जाओगे? चलो बैठ जाओ अपनी जगह पे बैठ जाओ। पता है हम अपने जीवन में मरना सीख लेंगे ना तो हमको जीना आ जाएगा, और जीना आ जाएगा ना तो हम वापस पैदा नहीं होना पड़ेगा। पता है पैदा होने के लिए इस पोजीशन में कितने मंथ तक बैठना पड़ता है? 9 मंथ्स तक बैठना पड़ता है, वो भी कहां पर? एकदम डार्क रूम में, राइट? और जो भी खाते पीते ना मम्मा, उससे पेट में पानी जो जाता है उसी से वहीं पर सुसु आता है, वहीं पे पटी आती है, ठीक है? किसी को नॉलेज में कोई नियर डियर गायनेकोलॉजिस्ट हो उनसे पूछना कि बच्चा बाहर आता है तो कितनी गंदगी के साथ आता है, राइट?
ऐसी गंदगी में वापस 9 महीने तक बैठना है क्या? किसी को बैठना है? किस किस को बैठना है वापस? बार बार जन्म किसको लेना है? बोलो, लेना है क्या? जन्म मरण से मुक्ति के लिए क्या चाहिए? मोक्ष चाहिए। अच्छा, हमारा जो जन्म हुआ है हमको उसको सार्थक बनाना है, निरर्थक बनाना है, वेस्ट बनाना है? जिनका जन्म सार्थक होता है, जैसे राम, राइट? किस किस को राम की डेथ की डेथ पुण्य तिथि जिसको बोलते, किस किस को पता है कि राम कब मरे थे, कब मोक्ष पधारे थे? किसको पता है? पता है किसी को? हेलो, नहीं पता। अच्छा, राम का बर्थडे कब आता है? भगवान राम का रामनवमी को आता है। अच्छा, रावण का बर्थडे किसको पता है? बर्थडे राम का बर्थडे तो पता है, डेथ की डेथ डेट नहीं पता है, पुण्य तिथि नहीं पता है, लेकिन रावण की डेथ पता है। कब बनाते? दशहरा, वो भी हम लोग नहीं मनाते, राइट? सिर्फ पता है हमको। और उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, बर्थडे कब बनाते? तो किसका जन्म सफल हुआ, जिसका जन्म सफल हुआ या जिसका मरण सफल हुआ? जिसने, जिसकी मरण की डेट पता ही नहीं है, तो सर सफल किसने किया अपना जन्म को? जिसकी जन्मतिथि दुनिया को पता है। चलो, अभी मैंने जिस पोजीशन में बिठाया ना, इस पोजीशन में ऑस्ट्रेलिया में एक जेल है, उसको बोलते हैं सॉलिटरी कॉन्फिनेमेंट, या फिर उसको एक और चीज बोलते हैं सिग्रेशन सेल। वहां पर बहुत खतरनाक खतरनाक वाले जो आतंकवादी होते हैं ना, बहुत भयंकर वाले जो गंदे क्राइम करते हैं, आप इसको गूगल कर सकते हो। वॉर्म की तरह सेल होती है ऑस्ट्रेलिया में, सिग्रेशन सेल बोलते हैं उसको। वहां पर है ना, ऐसे ही अंदर बिठा देते हैं, वो पैर भी सीधा नहीं कर सकते, पैरों को सपोर्ट भी नहीं दे सकते, अंधेरा रूम रहता है, दिन में सिर्फ एक बार सुबह गंदा वाला खाना जाता है, उनको वॉशरूम के लिए भी बाहर नहीं निकालते, ऐसी जगह पे वो डाल के रखते हैं उनको, राइट? जितने उनको सजा कोर्ट देती है, जज देते हैं, जो उनका क्राइम होता है उसके हिसाब से, राइट? इतने दिन तक उसमें डाल के रखते, फिर एक वीक में एक बार उनको सनलाइट देने के लिए, नहीं तो सनलाइट नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे, इसके लिए उनको बाहर निकालते थोड़ी देर के लिए, वो भी किसी से मिलने नहीं देते, सिर्फ निकालते फिर से वापस उसमें गंदगी में डाल देते, कपड़े भी नहीं पहनाते। सेम लाइक जैसे मम्मी के वॉर्म में रहते हैं ना, वैसी जगह डाल के रखते। कितना पेनफुल होता होगा ना, होता है ना? तो वापस जन्म नहीं लेना है, तो उसके लिए हमको क्या मिला है, क्या मिला है? अच्छा, हम एक वीक के लिए खूब सारा हमको मस्ती मिल जाए, लग्जरियस लाइफ मिल जाए, हमको जो करना है वो मिल जाए, और पूरी लाइफ हमको पनिशमेंट मिलेगी, तो किसको चाहिए? चाहिए क्या? नहीं चाहिए ना। पूरी लाइफ पनिशमेंट में ही रहना है, जैसे इस टाइप की जेल है या कुछ भी है, राइट? तो हम जो क्षण भर का आनंद लेते हैं ना, सुख लेते हैं, जो हमको नहीं करना चाहिए, जो हमारे दूसरे फ्रेंड्स लोग करते हैं, मैंने शुरुआत की थी ना इस बात से कि दूसरे लोगों को उसमें मजा आता है, लेकिन वो मैकडोनल्ड जाते हैं, मूवीज देखते हैं, इतनी सारी चीजें, लिमिट कर लो उसको। तो इतनी सारी जो मूवीज बनती है ना, दूसरी लैंग्वेज की भी, दूसरी कंट्रीज की, उसका भी दोष नहीं लगेगा। एक लिमिटेड बना लो कि हम इतनी देर ही टीवी देखेंगे, यही प्रोग्राम देखेंगे, इतनी ही मूवीज देखेंगे, ठीक है? इसके पचकान ले सकते हैं हम, राइट? तो अब इतना सारा जो उसके ऊपर जीव दोष लगता है, सबका दोष नहीं लगेगा हमको, ओके? तो हमको क्षण भर का जो सुख मिलता है, उससे अनंत दुख का कारण बनता है वो। अनंत अनंत साल तक हम फिर ट्रेवल करते हैं, फिर मरना, फिर जीना, फिर मरना, फिर जीना, उन सब से हमको बचना है। तो नरक गति का एक वीडियो है, जैनिज्म करके एक है ना यूट्यूब पे चैनल, आप सब मोबाइल चलाते हो ना, तो जैनिज्म पे नरक दर्शन करके डालना, जैनिज्म नाम का चैनल लिख लो सब, उसमें 14 योजन भी एक्सप्लेन किया है पूरा प्रॉपर, पुराना वीडियो है, लेकिन नरक के जीव परमाधामिक देव कैसे टॉर्चर करते हैं उसको देखो आप,
राइट। सब बच्चे उसको जरूर देखना, मोबाइल तो आप देखते ही हो, तो अच्छी चीज देखो कि हम अगर पाप कर्म बंद करेंगे तो हम कहां जा सकते हैं, नरक गति में जा सकते हैं। उससे कैसे बचना है, तो हमको क्या क्या नहीं करना है, हमारे गुरु भगवंत, हमारे तीर्थंकर भगवान के जो मैसेंजर है, सब कौन बताता है हमको, गुरु भगवंत। अच्छा, हमारा जो धर्म है, तीर्थंकर भगवान क्या होते हैं, इनकी बहुत सारी क्वालिटीज है, उसमें से पांच क्वालिटी मैं आपको बताता हूं। वो कभी किसी के लिए जजमेंटल नहीं होते है। होते हैं क्या, सबके लिए, चंड कौशिक फन फना रहा, गुस्सा कर रहा है, उसको भी करुणा से ही देखा ना, किसी को भी गुस्सा करने वाले को, नफरत करने वाले को भी जजमेंटल नहीं होते है ना, सबके साथ एक जैसे रहते हैं। किसी पे ऐसा चक्रा फेंक दिया, किसी को त्रिशूल फेंक के मार दिया, राइट, आई विल नॉट से द नेम, बट जजमेंटल नहीं होते। अपने बेटे के साथ ही अनजजमेंटल होता है क्या कोई, गला काटता है क्या कोई, सोटा मारता है कोई, तलवार से मारता है कोई, हमारे तीर्थंकर भगवान के पास कोई शस्त्र है क्या, हमने लास्ट टाइम सुना था ना ये, तो जजमेंटल नहीं होते हैं। दूसरा, सबके साथ एक जैसे ही रहते हैं, राइट, उनको केवल ज्ञान है, उनको सब दिखता है, जो हमको यह सूक्ष्म असूक्ष्म जो जीव नहीं दिखते वो भी उनको हर चीज, उन्होंने टाइम मशीन, समझते हैं ना सब, टाइम मशीन देखते हो कार्टून्स में, तो टाइम मशीन में जाके आप आ जाते हो। यस 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 यस, पांच मिनट, टाइम मशीन, समय कम है, जयंत भैया बोल रहे है, थोड़ा सा सुनने की कैपेसिटी नहीं है। ओके ओके, यस 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 यस, महाराज साहब जी कुछ फरमा रहे, फिर हम गेम चालू करते है ना, एक दो मिनट में अपनी बात खत्म करता हूँ। चलो, हमने नरक गति समझा, आपको श्रावक जीवन में कुछ चीज बताता हूं जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है, राइट, हमको क्या क्या करना चाहिए रेगुलर लाइफ में मिनिमम नरक से बचने के लिए। मोक्ष में जाने के लिए तो और भी करना पड़ेगा बहुत कुछ, नरक से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए, किसी को पता है, परमात्मा की आराधना, पूजा, दर्शन, राइट, पहली चीज, ठीक है, रात्रि भोजन त्याग, वेरी ट्रू, एक कोर हम रात को खाते हैं वो इक्वलेंट टू नॉन वेज होता है। अच्छा, कच्चा पानी, अच्छा उपास किया है, किस किसने उपास किया है, चोवियार उपास किया, तीवियार उपास किया है, कि सबने तीवियार किया है, पानी में डिफरेंस लगता है कुछ, कच्चा पानी पक्का पानी में नहीं लगता है ना, इक्वलेंट। अच्छा, पक्का पानी होता हमको वही पीना पड़ता है, तो कच्चा आटा कोई खाता है क्या, कच्ची रोटी खाता है क्या, पका के ही खाते है ना, तो पक्का पानी ही पीना पड़ता, तो हम वैसी व्यवस्था अपने घर में हमारे लिए बनाए, हमारे पेरेंट्स फॉलो करें, वेल एंड गुड, हमको कच्चा पानी नहीं वापरना, रात्रि भोजन का त्याग करना, थाली में झूठा नहीं छोड़ना, थाली में जितना भी है उसको धो करके पीना, एक तो एम्बिल का फल मिलता है और दूसरा उसमें 48 मिनट से एक मुहूर्त के अंदर अंतर मुहूर्त में बेन्द्रीय जीव की उत्पत्ति होती है, उसका पाप भी हमको नहीं लगता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, कर सकते हैं सब लोग, 9 लाख नौकार मंत्र हमको अपनी लाइफ में गिनने, 5 नौकार की माला गिननी है, कोई 2 गिनेगा तो वो और इयर्स बढ़ा लेना, 5 इयर्स तक, कितने इयर्स तक, 5 इयर्स तक, इतने नौकार मंत्र आपने गिन लिए तो नरक में कभी भी नहीं जाओगे, पक्की बात है ये, कर सकते सब, आता है ना सबको नौकार। चलो, आगे का जो अपना सेशन है वो अपन अगली बार जब मिलेंगे, जब कंटिन्यू करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बता देता हूं आपको, बहुत अच्छा है, अपने माता पिता कितना मानता है, उनको कुछ भी उल्टा
उल्टा जवाब नहीं देता है तो आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप अपने माता पिता की बात को मानते हैं और उनके उपकार को याद करते हैं तो आपके अंदर सदाचार का गुण बहुत विकसित होता है। तीसरे नंबर पर बताया कि आप यदि दीन दुखियों की सेवा करने में, उनकी सहायता करने में तत्पर होते हैं, हमेशा अलर्ट रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, तो आप सदाचारी गिने जाते हैं। और आखिरी में चौथे नंबर पर बताया कि यदि किसी व्यक्ति ने, जो व्यक्ति आपका हितेच्छु है, जो व्यक्ति आपका भला चाहता है, जो व्यक्ति सज्जन है, महाजन है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो पूरी दुनिया में माननीय है, पूजनीय है, यदि ऐसा व्यक्ति आपको कुछ कहे और आप उनकी बात को, आपकी इच्छा नहीं हो तो भी मान ले, और आपको उस काम को करने में ज़्यादा मेहनत पड़ती हो तो भी, यदि आप शर्म के मारे या अनिच्छा से भी वो काम करते हैं तो आपके अंदर जाने अनजाने में भी ऐसा गुण प्रकट होता है कि जो आपको खराब से खराब या कठिन से कठिन परिस्थिति में भी आपको उठा सकता है और आपको ऊपर उठा करके आत्मकल्याण की ओर ले जा सकता है। इसलिए ये चार बातें आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है कि जो जिसके कारण से आपकी लोक में निंदा हो। दूसरे नंबर पर, हाँ, लोक में मतलब संसार में निंदा हो। दूसरे नंबर पर कि आपके अंदर कृतज्ञता का भाव आए, जो आपके उपकारी हैं, माता पिता वगैरह, उनके उपकार को सदैव याद रखें। तीसरे नंबर पर आप दीन दुखियों की सेवा करें। और आखिरी में चौथे नंबर पर, जो आपका हित चाहते हैं, जो आपका भला चाहते हैं, उनकी बात को आप अनिच्छा से भी करेंगे तो आपको फायदा होगा। ये चार बातों का ध्यान में रखें और चार बातों का ध्यान में रखकर के आप आत्मकल्याण करें, यही मंगल कामना। चलो, आपने अभी जो नाटिका देखी थी देव, तो आपको हाथ ऊपर करना है, दोनों हाथ ऊपर करना है। देवगति कहाँ पर है? जम्बूद्वीप से सब देवगतियां ऊपर है ना, सिद्धशिला के नीचे, और 14 योजन में देखते ना, बीच में मनुष्य गति में सारे देवता ऊपर है। तो मनुष्य बोलेंगे तो हाथ सीधे करेंगे, देव बोला तो हाथ ऊपर कंटिन्यू, ऐसे नहीं चलेगा। लेकिन कि मैंने देव के बाद मनुष्य बोला, मनुष्य के बाद वापस देव भी बोल सकता हूँ, और जिसने रॉन्ग किया वो आउट होगा। अच्छा, नरक गति कहाँ पर है? नीचे, तो हाथ नीचे कर लेंगे। ओके, हाथ साइड में करना है। चलो, अब मैं इनको बताता हूँ देव गति के हाथ कैसे करना है। सब देख लो एक बार अच्छे से, देव बोला तो क्या करेंगे हाथ? मनुष्य, त्रयांश, नरक, देव, मनुष्य, देव, देव, है ना? ऐसे हम सॉर्टिंग करते जाएंगे। अभी अभी ट्रायल था, है ना? आपका गलत इतना सा इशारा। अच्छा, हम है ना ऑनेस्ट रहेंगे, हमको कोई और हमारे दीदी या हमारे नौकर परिवार के भैया लोग, अंकल लोग बाहर निकालेंगे ऐसा नहीं है। हम सब जैन है ना, हम गेम में भी चीटिंग नहीं करते, इसीलिए हम जैन है ना। तो अपने आप बाहर आ जाएंगे कि हाँ हमसे गलती हो गई, हम आउट हो गए। वो इतना ट्रस्ट मुझे तो है। देखो, हम फिर ग्रुप नहीं बना रहे हैं, ये आपको हॉनेस्टली, जिसको भी ऐसा लगे कि हाँ इन्होंने बोला देव था और मैंने कोई दूसरी मुद्रा करी है, तो अपने आप आउट हो जाएंगे और फिर वो बच्चे नीचे अपने आप जाते जाएंगे और जो बच्चे पास होते जाएंगे वो सब यहीं रुकेंगे। ओके, हॉनेस्टली करना है, अपने को ध्यान रखना है, जिससे गलती हो जाए वो अपने आप नीचे जाना शुरू कर देना। हम भी वॉच रख रहे हैं लेकिन अपनी ऑनेस्टी रखना है, ठीक है? अपने चीटिंग वाले कर्म नहीं बंद करने। चलिए, करना, धोखा देना भी एक कर्म है ना, बैड कर्मा। अब यहाँ पर जैसे विशाल भैया गेम शुरू कराए, उसके पहले मैं सिर्फ जो हमारी वीडियो पे जो कंपटीशन हुई थी उसके फर्स्ट सेकंड थर्ड विनर जो है उन बच्चों को सिर्फ खड़ा कर रहा हूँ, उनके गिफ्ट्स प्लस 18, हमारे टोटल जो 18 पाठशालाएं यहाँ पर आती है उन 18 ही पाठशालाओं के जिन जिन बच्चों को इनाम है उनके नाम भी आपको बोल दिए जाएंगे, तो उनके गिफ्ट भी यहाँ पर ये सेमिनार पूरा होने के बाद दिए जाएंगे। पहले मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड के नाम बोल रहा हूँ। सबसे पहले थर्ड में आई है जीरावाला जैन धार्मिक पाठशाला गांधीनगर की निष्ठा जैन, वो यहाँ पर आए क्या निष्ठा? ये निष्ठा जी आए हुए हैं, इनको खूब खूब धन्यवाद। इन्होंने जो
कंपटीशन में भाग लिया तो हमने थर्ड विनर है। सेकंड नंबर पर रेक्स कोर्स पाठशाला से आरव जैन, आरव आए क्या? चलो बहुत जोरदार तालियों से उनका भी अभिनंदन कीजिए। और फर्स्ट नंबर पे है तिलक नगर पाठशाला से तनिषा चोरडिया, गुमास्ता नगर पाठशाला से तनिषा, मिच्छा में दुगड़ में तिलक नगर लिखा था, गुमास्ता नगर पाठशाला से तनिषा चोरडिया। ये तीनों बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आए, इनकी अनुमोदना है। अभी यहाँ पर नीचे उनका जब यहाँ पर भोजन होगा तब आपका भी बहुमान होगा और 18 पाठशालाओं के बच्चों का भी बहुमान होगा। अब यहाँ पर विशाल भैया गेम्स खिलाएंगे। प्राइस जो 18 पाठशालाओं के हैं उनके नाम बोल रहा हूँ, उनको भी इनाम दिए जाएंगे। सुखदेव नगर पाठशाला से अमीशा, कालाई नगर पाठशाला से वीरांश मेहता, तिलक नगर पाठशाला से अदिति चोपड़ा, रेसकोर्स पाठशाला से मिहिका चोपड़ा, हाइलिंग सिटी पाठशाला से परीशी पोरवाल, गांधीनगर पाठशाला से मनस्वी जैन, क्लर्क कॉलोनी पाठशाला से प्रभाव जैन, महेश नगर पाठशाला से ऋषिका सराफ, आलोक नगर पाठशाला से अवनी गोलेछा, गुमास्ता नगर पाठशाला से भविक भंडारी, पिपली बाजार पाठशाला से काशी जैन, विजयनगर पाठशाला से खुशी जैन, मांगलिया पाठशाला से समर्थ जैन, राधानगर से इनाया संघवी, जानकी नगर से मौलिक बोथरा, शिक्षक नगर से जैनत्व जैन, रतनबाग पाठशाला से रोशी जैन और बिचोली पाठशाला से अविष्का भाले। ये 18 पाठशालाओं के 18 बच्चे हैं, इनको कॉन्सोलेशन प्राइज और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो गुरुजी ने बोला है उनको अभी इनाम यहाँ पर भाग ये जितने भी बच्चे हैं उनको सबको नीचे नौकार परिवार का कॉर्नर पे ऑफिस है हमारा, उस ऑफिस में सब बच्चों को आना है और हम वहां पर इन सारे फर्स्ट सेकंड थर्ड से लेकर के लास्ट तक के जितने भी बच्चे सबका इनाम वहां पर दे देंगे। आइए गेम शुरू करते हैं, उसके पहले गुरु भगवान यहाँ पर साहेब फिर आप नीचे तो हमारे साहब नीचे पधार रहे हैं गुरु भगवान और यहाँ पर हमारा गेम स्टार्ट रहेगा बिल्कुल हॉनेस्टी के साथ। बस गेम लास्ट है और गेम के बाद में फिर आपको नीचे भोजन और हमारे बीच में हमारे अतिथि लाभार्थीगण उन सबका पुनः पुनः अभिनंदन स्वागत किया। आपके आने से हमारे इस कार्यक्रम की शान बढ़ी है। जोरदार तालियों से सभी का अभिनंदन स्वागत करें, गुरु भगवान का अभिनंदन स्वागत करें। हम यहाँ से गुरु भगवान पधार रहे हैं और यहाँ हमारा गेम्स स्टार्ट होने जा रहा है। हमारे बीच कीर्ति भाई शाह भी पधारे जिन्होंने बस व्यवस्था में हमारा सहयोग करा, कीर्ति भाई की भी बहुत बहुत सभी बच्चे मिलकर के अनुमोदना कर रहे हैं, धन्यवाद। चले विशाल भाई शुरू करें, चलो सबको खड़ा करना है। कोई भी चीटिंग नहीं करेगा, एक स्टोरी सुन लो उसके पहले, पुण्य बंद और ठीक है, एक स्टोरी सिर्फ छोटी सी, ठीक है, गेम्स ही ताकि चीटिंग नहीं करेंगे इसके लिए। नहीं चीटिंग कोई भी नहीं करेगा, मेरे को विश्वास है चीटिंग कोई नहीं करेगा, पक्का है ना, अपने आप उठ के बाहर हो जाएंगे रॉन्ग हुआ तो। चलो खड़ा करना है क्या उनको सबको? तो भी तभी हाँ, खड़े होके खड़े होना पड़ेगा बेटा सबको, थोड़ा आगे हो जाओ, बीच में गैप कर लो। आगे हाथ रखने के लिए गेम करना तो ज्यादा आगे हाथ अपने सामने वाले से टकराएंगे, इसलिए मनुष्य बोले जब हाथ थोड़ा सा सामने कर लेगा, मनुष्य बोलेंगे तो हाथ सामने वाले से नहीं टकराए इसके लिए ऐसे कर लेंगे, ठीक है। नरक गति के लिए नीचे गति भी बोलूंगा, नरक मनुष्य प्रिया देव मनुष्य मिक्स एंड मिक्स कर लेंगे, ठीक है। आप सब लोगों के लिए ना 1 तारीख से कुछ प्रोग्राम का प्लानिंग है, तो आप लोगों को कुछ अलग अलग एक ग्रुप के बच्चों के लिए अलग अलग प्रोग्राम का प्लानिंग है, जिसको भी इंटरेस्ट हो तीनों बस के एक एक बच्चा कम से कम मेरे से नंबर लेके जाना, फिर आप लोग बस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना, है ना, ईजी रहेगा। सब लोग आओगे, सब लोग लेके जाओगे, इससे वॉलंटियर कोई भी देव ज्यादा देवगति में अच्छा है ना बेटा,
प्रियांश देव, प्रियांश मनुष्य, कौन कौन आउट हुआ? देखो जो भी आउट हो जाए वो नीचे भोजन करने के लिए चले जाना। चलो चलो बाकी के साथ। मनुष्य मनुष्य देव, प्रियांश नरक नरक देख लिया है। जो नहीं देख रहे फिर भी आप रुक रहे हो तो आप चिटिंग कर रहे हो, ठीक है। मुझे पता है कौन कौन आउट हो चुका है, फिर भी वो लोग खड़े हैं। मुझे पता है वो लोग कौन कौन है। जिनको नहीं देख रहा है वो अपने आप को चीटिंग ना करे। प्रियांश मनुष्य मनुष्य देव नरक नरक देव नरक मनुष्य प्रियांश प्रियांश मनुष्य देव प्रियांश जो लोग ऑनेस्टली जा रहे हैं उनको बहुत बहुत थैंक यू कि वो अपना चिटिंग आप लोगों के साथ है ना। थैंक यू उनको। देव मनुष्य देव मनुष्य नरक
नर आपने हाथ ऊपर थोड़ा सा उठाया है। देव प्रियांश, देव प्रियांश मनुष्य, प्रियांश मनुष्य देव, स्पीड बढ़ेगी अभी है ना, देव मनुष्य, देव प्रियांश मनुष्य, नर्क 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 मनुष्य, देव मनुष्य प्रियांश मनुष्य, नर्क प्रियांश 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 मनुष्य मनुष्य, प्रियांश मनुष्य, देव 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 मनुष्य, नर नर देव नर देव, प्रियांश प्रियांश प्रियांश, नर देव मनुष्य मनुष्य, देव प्रियांश मनुष्य। आप कौन? दीदी आ जाइए, आप दे दो आपके हाथ से, थोड़ा अच्छा लगेगा। आ जाइए आप, देखना घर का नाम बता दो। नाम बोलो, पाठशाला का नाम बोलो। दर्शिता जैन, अजीतनाथ पाठशाला से। खुशी जैन, पिपली बाजार पाठशाला से। रेस्कोर्स रोड से, वेरी गुड। लेडीज ऑफ द मैच।